सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार। सरकारी विनयन एवं वाणिज्य कॉलेज रापर के गुजराती विभाग द्वारा आयोजित प्रशिष्ट कृति परिचय श्रेणी के 103वें मणके में आप सभी आमंत्रितों का सादर अभिवादन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। दोस्तों, आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के एक उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा, इसके संदर्भ में चंद बातें सुनने वाले हैं। ये बातें हमारे साथ करने वाले हैं डॉक्टर मृदुला जी पारिक। डॉक्टर मृदुला जी ने अपना समग्र जीवन हिंदी साहित्य एवं उसके शिक्षा के लिए प्रदान कर दिया है। ऐसे डॉक्टर मृदुला जी पारिक जो उज्जैन में जन्मे और फिर उन्होंने एमए पीएचडी का अभ्यास किया और आजीवन वे शिक्षक रहे, अध्यापक रहे और हिंदी विषय के अध्यक्ष के तौर पर वे निवृत्त हुए। इनके प्रकाशनों की बात करें तो समीक्षा के संदर्भ में इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी सर्जक और चिंतक नामक पुस्तक दिया है, तो दो संपादन भी हैं, छायावादोत्तर हिंदी काव्य एवं वनवासी साहित्य संवाद। इन्होंने कुछ गुजराती से हिंदी अनुवाद किए हैं और जो कि हमारे छात्रों के लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसमें से एक कृति जो है वो हम पढ़ते भी हैं, विदिशा। मैम ने मैना गुर्जरी, जिसकी बात महेंद्र सिंह जी ने की थी हमारी इस श्रृंखला में, तो उसका जो रसिकलाल परिख की नाट्य कृति है उसको मालवी में उन्होंने अनुवादित किया है और राष्ट्रीय नाट्यशाला NSD द्वारा उसका मंचन भी हुआ है दिल्ली। विदिशा भुलाभाई पटेल का जो निबंध संग्रह है उसका भी हिंदी में अनुवाद मृदुला जी ने किया है और भुलाभाई का ही एक अन्य निबंध संग्रह देवों की घाटी उसका भी उन्होंने हिंदी अनुवाद किया है। तो भीली लोक महाकाव्य भीलों का भारत संपादन डॉक्टर भगवान दास पटेल और रोम सीता माता की कथा संपादक डॉक्टर भगवान दास पटेल, इसका भी उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। गुजराती की विविध विधाओं जैसे कि कविता, कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, निबंध हो, उनको हिंदी में ढालने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर भारतीय भाषाओं की उत्तम कृतियों का गुजराती में अनुवाद तो हमें मिलता है, लेकिन हमारी जो श्रेष्ठ कृतियाँ हैं गुजरात की, गुजराती भाषा की, उनका हिंदी में अनुवाद हो वो हमारे लिए इतना ही आवश्यक कार्य है जो कि मृदुला जी ने किया है। वे आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी सक्रिय तौर पे भागीदार रही हैं, उन्होंने बहुत काम किया है। उन्हें पश्चिमांचल हिंदी प्रचार समिति बड़ौदा द्वारा भाषा मनीषा सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। आपको वनवासी साहित्य में विशेष रुचि है, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में वनवासी साहित्य विषयक आपके लेख जो हैं वो प्रकाशित होते रहते हैं, सृजनात्मक लेखन में भी आप रुचि रखते हैं और जैसे मैंने कहा कविता हो, वार्ता हो, वो सभी कहानी भी वे लिखते हैं। और आंजना पाटीदार आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज ईडर साबरकांठा गुजरात में हिंदी विभाग में अध्यापन कर वे सेवानिवृत्त हुई हैं, लेकिन इनके छात्रों में और उनके हृदयों में वे आज भी प्रवृत्त हैं एक उत्तम शिक्षक के तौर पर। उनके छात्र की बदौलत इकराम जी आज हमारे साथ जुड़े हैं, तो इकराम जी की बदौलत उनकी गुरुणी मैया आज हमारे साथ जुड़ी है, तो हम बड़े ही भाव से और बड़े ही आदर से आपको यहाँ पे आमंत्रित करते हैं और विनती करते हैं आपकी प्रिय कृति के संदर्भ में बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब ये पूरा मंच आपका है, समय की कोई सीमा नहीं है, आप अपनी बात मन भर के करें, ऐसी विनती। पहली बात, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं रापर कॉलेज के प्राचार्य महोदय और रमजान भाई को अभिनंदन और बधाई देना चाहती हूँ प्रशिष्ट कृतियों के आस्वादन के इस कार्यक्रम को लेकर। ये उनका एक ऐसा उपक्रम है जो भारतीय भाषाओं का ही नहीं विश्व की भाषाओं को एक श्रृंखला में पिरो रहा है। जिस प्रकार एक माला नाम भी दिया है, मणको बीजो मणको 103 मणको, जिस प्रकार एक माला में रंग बिरंगे मोती जब पिरो दिए जाते हैं तब उसकी शोभा
और चमक बहुत बढ़ जाती है। वैसा ही जो उपक्रम है जिसकी अपनी शोभा है, चमक है, आप लोग बधाई और अभिनंदन के पात्र हैं। जहाँ तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनकी बाणभट्ट की आत्मकथा की बात है, 20वीं शताब्दी के मनीषी लेखकों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अग्रगण्य स्थान में विराजमान है। उन्होंने अपनी सर्जना और चिंतना के द्वारा उत्कृष्ट साहित्य की सृष्टि की। बहुआयामी व्यक्तित्व है, बहुआयामी लेखन है। उन्होंने साहित्य के जिस किसी विधा को भी छुआ है, उसे अपनी चिंतना की गहराई और सर्जना की रसमयता से अनुप्राणित करके उत्तम साहित्य की सृष्टि की। जैसा द्विवेदी जी का साहित्य विपुल है, वैसा ही उनका व्यक्तित्व विलक्षण है। उनके साहित्य पर उनके व्यक्तित्व की छाप हमें सर्वत्र दिखाई देती है। जीवन में घटित घटनाओं, समस्याओं का द्विवेदी जी ने सृजनात्मकता से विनियोग किया है। बाणभट्ट की आत्मकथा और द्विवेदी जी के साहित्य पर दृष्टि डालने के पहले हम थोड़ा सा उनके विलक्षण व्यक्तित्व का परिचय पाएंगे। द्विवेदी जी का समय है अगस्त 1907 से लेकर मई 1979 यानी 79 तक। चुस्त सरयूपारण ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। संस्कार रूप से बहुत संपन्न किंतु आर्थिक रूप से विपन्न। द्विवेदी जी का वास्तविक नाम था बैजनाथ, मगर उनके जन्म के समय उन्होंने ही लिखा है, जन्म के समय कहीं से परिवारजनों को 1000 रुपये की प्राप्ति हो गई और उनका नाम हो गया हजारी प्रसाद। प्रेम, करुणा, त्याग, कर्तव्य कातरता जैसे संस्कार उन्हें विरासत में मिले, तो उसी के साथ विरासत में मिली उन्हें निर्धनता। और निर्धनता का आलम यह था कि जब वे काशी पढ़ने गए तब संस्कृत के शास्त्राचार्य बनना चाहते थे, मगर फीस के अभाव में नाम कट गया और उन्हें बीए में अंग्रेजी लेकर परीक्षा पास करनी पड़ी और उसकी फीस भी उन्होंने जुटाई कथा बाज कर। द्विवेदी जी ने कथा बाजी, उनका नायक बाण भी कथा बाजता है और उनकी ये कथा की आयोजना जो थी उनके आर्य समाजी मित्र ने की थी। द्विवेदी जी लिखते हैं कि जो चढ़ावा आया उसका मेरे परिवारजनों ने स्वागत किया वो अलग बात है, मगर 23 रुपये चढ़ावे से मैं अपनी परीक्षा की बेतरणी पार कर गया। विधि की विडम्बना कहो, भाग्य का विधान कहो के संस्कृत के आचार्य ज्योतिषाचार्य पंडित द्विवेदी जी को हिंदी पढ़ाने के लिए शांति निकेतन जाना पड़ा। उन्होंने लिखा है कि रोजी मिलेगी चला जाता, मगर विधि की विडम्बना उनके लिए वरदान सिद्ध हो गए। द्विवेदी जी ने खुद ने शांति निकेतन जाने के 3 दिनों को 6 नवंबर को निकले, 7 को चले, 8 को पहुँचे, दिव्यत्व प्राप्ति के दिन बताया है और रविंद्रनाथ के दर्शन को अपने जीवन की सबसे बड़ी घटना। विश्व भारती एक वैश्विक संस्था थी। द्विवेदी जी 23 साल की उम्र में वहाँ गए। सर्जना के और विचार के बीज उनमें विद्यमान थे। वहाँ उन्हें एक धरती मिली, एक माहौल मिला। विश्व संस्था थी। रविंद्रनाथ ने मनुष्य पूजा को सारी उपासना साधना से श्रेष्ठ माना। उच्च नीच के भेद को मिटाकर मानव को स्थापित करना रविंद्रनाथ का मानव धर्म है। द्विवेदी जी के भीतर जो करुणा, स्नेह, परतुप कातरता जैसी मानवीय चेतना थी, वहाँ वो और दृढ़ बनी। द्विवेदी जी खुद कहते हैं कि मेरे पूर्व जन्म के भाग्य से, फल से मुझे रविंद्रनाथ गुरुदेव के दर्शन मिले, मैंने नई दृष्टि, मानवतावादी जीवन दृष्टि के बारे में कहते हैं, नई दृष्टि, नया विश्वास पाया। विश्वास दृष्टि मानवतावादी दृष्टि पाई और विश्वास सत्यान्वेषण का विश्वास पाया, सत्य को बोलने का विश्वास पाया, निर्भय होकर साहस के साथ सत्य को स्वीकार करने का विश्वास पाया। द्विवेदी ये घटना यहाँ अंकित करना चाहती हूँ मैं कि द्विवेदी जी खुद लिखते हैं कि जब वे शांति निकेतन में थे, उनके गुरुजी राम यत्न योजना ने एक पंचांग निकाला
द्विवेदी दीदी उससे असहमत थे। अगर गुरु की बात पर टीका टिप्पणी करे तो कैसे करे। उन्होंने एक छद्म नाम धारण किया व्योमकेश शास्त्री और एक लेख लिख डाला जिसमें गुरु की बहुत सारी कमियां निकाली। शांति निकेतन से उन्होंने डाक में डाला मगर न नाम है छद्म नाम है व्योमकेश शास्त्री और न कहीं पता लिखा। उस समय के बाद शांति निकेतन का डाकिया एक बहुत बड़ा बंडल पुलिंदा लेकर उनके पास आया जिसमें बहुत सारे पंचांग थे और इंदौर में एक सभा होने वाली थी पंचांग के ज्योतिषियों की जिसके निर्णायक मंडल में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आमंत्रित किया गया। तब द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं तो भंड हजारी प्रसाद हूँ, मैं व्योमकेश नहीं हूँ। वो डाक भी ले लेते हैं। असल में द्विवेदी ने कहीं पता नहीं लिखा था मगर उस पर शांति निकेतन की मोहर देखकर ही द्विवेदी जी के पास को डाकिया व्योमकेश शास्त्री को ढूंढता हुआ है। जैसे जैसे द्विवेदी जी कहते जैसे जैसे इंदौर जाने के दिन निकट आने लगे नाड़ी सूखने की प्रक्रिया शुरू होने लगी। दो दिन बचे, उथल पुथल गुरुदेव तर्क वितर्क करेंगे और मैं निर्णायकों के मंडल में बैठूंगा। अंत तो गतवा द्विवेदी जी रविंद्रनाथ टैगोर के पास जाते और अपनी सारी उलझन बताते। टैगोर उनसे कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, तुम्हें सत्य का आग्रह तो है मगर संकोच और भय है। तुम्हें अपना नाम नहीं छुपाना चाहिए था, मत जाओ। और द्विवेदी जी को वहाँ से एक मंत्र मिलता है, सत्य के लिए किसी से नहीं डरना। द्विवेदी जी कहते हैं, मैंने तार कर दिया कि नहीं आ पाऊँगा पर मन में एक बोझ था कि गुरु जी से क्या कहूँगा। कुछ दिनों बाद गुरु जी का ही पत्र आ गया। यानी आप देखिए कि जैसा शिष्य उनसे सवाए गुरु, गुरु समझ गए कि ये लेख द्विवेदी जी का ही हो सकता है। कहते तू क्यों नहीं आया, तुझे आना चाहिए था। अरे मेरी विद्या तो उसी दिन सफल हो जाती जिस दिन तू निर्णायक मंडल में के बीच में बैठा होता। तो कहते ऐसे है मगर द्विवेदी जी को एक मंत्र, सत्य के आग्रह का मंत्र वहाँ से मिला। और हम देखते हैं कि द्विवेदी जी का जो संपूर्ण साहित्य है उसमें मानवता की खोज, मनुष्य के विविध संदर्भों की खोज और मनुष्यत्व की स्थापना का प्रयास हमें दिखाई देता है। और दूसरा एक है सत्य का अन्वेषण। सवार ऊपरे मानुष सत्य तहार ऊपरे डाई का मंत्र लेकर द्विवेदी जी अपनी साहित्य रचना करते हैं। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व बड़ा विलक्षण है। एक तरफ वे ज्योतिषाचार्य हैं, वे आचार्य हैं, वे व्याकरणाचार्य हैं, संस्कृत पाली प्राकृत अभ्रज बंगला के वे ज्ञाता हैं, मगर दूसरी तरफ एकदम बतकैया शैली में बात करने वाले वे एकदम सहज गांव के गावई हैं। यानी उनके साथ में रहने वाले उनके अंतेवासी मित्र हमेशा कहते हैं कि पांडित्य में सरसता का समन्वय द्विवेदी जी को सहज बनाता है। द्विवेदी जी साहित्य में भी सहजता के आग्रही हैं। एक निबंध में उन्होंने लिखा है, पंडिताई भी एक बोझ है, वो जितनी भारी होती है उतनी जल्दी डुबा देती है, जब वो जीवन का अंग बन जाती है तो बोझ नहीं रहती। और आचार्य जी का जो पांडित्य है, जो आचार्यत्व की दीप्ति है, वो उनके विनोदी स्वभाव, उनकी गप्प कला, उनकी ललित बतकैया शैली, उनके व्यंग और विनोद से एकदम हल्की फुल्की जीवन का अंग बन जाती। हिंदी के प्रसिद्ध आचार्य निबंधकार विवेचक आचार्य परमानंद विद्यानिवास मिश्र लिखते हैं कि कहाँ से पंडित शुरू होता है और कहाँ से गवई गांव का ठेठ व्यक्ति, भोजपुरी व्यक्ति समझ नहीं आता। द्विवेदी जी का ऐसा विरल और विलक्षण व्यक्तित्व था। हमारे यहाँ पंडितों की परंपरा भी है, हमारे यहाँ सर्जकों की परंपरा भी है, मगर जहाँ पंडितों की परंपरा है वहाँ पांडित्य के साथ में प्रायः हमने गांभीर्य देखा है, शुष्कता देखी है, एक घोर जिसको हम कहें ना विचारशीलता देखी है, और सर्जक है उनमें रसमयता देखी है। मगर द्विवेदी जी का जो व्यक्तित्व है उसमें पांडित्य की प्रज्ञा का तेज है और तन्मय कलाकार की हृदयकारी संवेदना है, और दोनों का मिश्रण उनका विलक्षण व्यक्तित्व है। और ये व्यक्तित्व हिंदी साहित्य में उनके समकालीनों के बीच उन्हें अनन्य, अप्रतिम और अद्वितीय बताता है। जैसा द्विवेदी जी का बहुआयामी व्यक्तित्व है वैसा ही उनका बहुआयामी विपुल साहित्य।
मैंने कबीर पर लिखा, दूर साहित्य लिखा, कबीर पर लिखा, साहित्य के इतिहास पर लिखा, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास उनका ग्रंथ है, हिंदी साहित्य की भूमिका उनका ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का आदिकाल उनका ग्रंथ है। अगर वे सूर और कबीर पर लिखते हैं तो मृत्युंजय रविंद्र नामक ग्रंथ में रविंद्रनाथ पर लिखते हैं, कालिदास के लालित्य योजना जैसे ग्रंथ पर वे कालिदास के पर संशोधन करते हैं। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद द्विवेदी जी प्राचीन और मध्यकालीन भारत की संस्कृति से बहुत जुड़े हुए थे, वे एकदम उसमें घुले मिले थे। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद लिखते हैं, उन्होंने निबंध लिखे हैं। निबंध में द्विवेदी जी का सबसे बड़ा प्रदाय ये है कि वैचारिक निबंधों के साथ उन्होंने हिंदी में व्यक्ति बंधे सृजनात्मक निबंध लिखे। हिंदी निबंधों को उन्होंने नई एक लालित्य, नया लालित्य, एक नई दिशा और दृष्टि प्रदान की है। उनके निबंध संग्रह हैं विचार और वितर्क, अशोक के फूल, आलोक पर, उटज आदि। द्विवेदी जी की सर्जन प्रतिभा का उन्मेषित रूप अगर हमें देखना हो तो मेघदूत एक पुरानी कहानी, कालिदास के मेघ पर द्विवेदी जी के अपने मेघ की रचना, पुस्तक का नाम है मेघदूत एक पुरानी कहानी, सृजनात्मक टीका का ये विरल उदाहरण है। द्विवेदी जी संपादक भी रहे हैं, संदेश राशक का उन्होंने संपादन किया, रामानंद की हिंदी कविता का संपादन किया है, पृथ्वीराज राशो का संपादन किया है, गुरुओं की वाणियों का संपादन किया है, सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण जैसी पुस्तक उन्होंने लिखी है। द्विवेदी जी ने अनुवाद भी किया है, रविंद्रनाथ टैगोर के रक्तकरवी नाटक का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है लाल कनेर के नाम से। द्विवेदी जी ने इन सब के साथ साथ कविताएँ भी लिखी, हालांकि उनका मन कविता से अधिक गद्य में रमा है। लगता है कविता उन्होंने बाएं हाथ के खेल से लिखी है। कुछ उन्होंने हिंदी में तो लिखी, रजनी दिन नित्य ढला ही किया उनका कविता संग्रह है, साथ ही उन्होंने संस्कृत और भोजपुरी में भी काव्य रचना की। द्विवेदी जी ने बाल कहानियां भी लिखी और द्विवेदी जी ने इसके अलावा संस्मरण और कुछ रेखा चित्र आदि की भी रचना की। ऐसे है द्विवेदी जी, मैंने उनके यहाँ उपन्यासों को छोड़ दिया है, उनकी उपन्यासिक सृष्टि पर भी अभी आगे आते हैं। द्विवेदी जी, जब हम द्विवेदी जी के, अब मैं आती हूँ उनके उपन्यासों, द्विवेदी जी के साहित्यिक व्यक्तित्व पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो एक सी चीज साफ नजर आती है कि द्विवेदी जी प्राचीन और मध्यकालीन काव्य में रचे बसे शोधवेत्ता है, अनुसंधान करता है, प्रखर आलोचक है। उनके साहित्यिक व्यक्तित्व का प्रकृत पक्ष उपन्यासकार का नहीं, मगर अचानक उनकी लेखनी मोड़ देती और 1946 में द्विवेदी जी बाणभट्ट की आत्मकथा के द्वारा एक क्लासिक रचना लेकर हिंदी के उपन्यासिक परिदृश्य में प्रवेश करते। द्विवेदी जी ने चार उपन्यास लिखे और अपने अंतिम उपन्यास अनामदास का पोथा तक आते आते वे हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासों की अग्रिम पंक्ति में प्रतिष्ठित होकर बैठे हुए हमें नजर आते हैं। द्विवेदी जी नव्यता के आग्रही, परंपरा और प्रयोग, प्राचीन के साथ में अर्वाचीन का, लोक के साथ में शास्त्र का प्रायः वे समन्वय करते हैं। द्विवेदी जी आपके उपन्यासों की रचना में हमें नवीनता दिखाई दी। जिस समय द्विवेदी जी ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना करने के लिए प्रवृत्त होते हैं उस समय रंदावल लाल वर्मा जैसे प्रतिष्ठित ऐतिहासिक उपन्यासकार अपने उपन्यासों को जब रचते हैं तो शुद्ध ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना करते हैं। वे ऐतिहासिक तथ्यों, सत्यों, घटनाओं और राजाओं की कथाओं को अपने उपन्यास में व्यक्त करते हैं, मगर द्विवेदी जी इससे परे ऐतिहासिक घटनाओं तथ्यों की बजाय साहित्यिक कृतियों से, ग्रंथों से अपने उपन्यास की रचना की आधार सामग्री ग्रहित करते हैं। उनका पहला उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा। इसकी कथा सामग्री उन्होंने बाणभट्ट रचित कादंबरी और हर्षचरित से ग्रहित। 1946 में पहला उपन्यास आता है, एक लंबे अंतराल के बाद 1963 में द्विवेदी जी का दूसरा उपन्यास आता है चारू चंद्रलेख, जिसकी सामग्री
जिसकी वस्तु पितंत्र वांग्मय और राजाष्टित कवियों की काव्य संपदा से ग्रहित कर 1973 में द्विवेदी जी का तीसरा उपन्यास आता है पुनर्नव। द्विवेदी जी की संधिनी शक्ति बड़ी जबरदस्त है। वे पता नहीं कितने शताब्दियों के इतिहास को एक साथ एक ही रूप में संग्रहित करके हमारे सामने रख सकते हैं। पुनर्नवा में जहाँ एक तरफ अपनी कथा वस्तु में उन्होंने लौरी उत्तर प्रदेश में प्रचलित लोक महाकाव्य लौरिक चंदा या चनैनी जैसी लोक काव्य से सामग्री ग्रहित की है, तो दूसरी तरफ उन्होंने कालिदास के काव्य ग्रंथों से भी वस्तु को स्वीकार किया है। और उपन्यास के उत्तरार्ध में तो वे शूद्रक के मृच्छकटिक नाटक से कुछ सामग्री लेकर आते। उनका चौथा और अंतिम उपन्यास 1976 में आया अनामदास का पोथा। उस उपन्यास में द्विवेदी जी ने कथा सामग्री शांतोक्य और बृहदारण्यक उपनिषदों से ग्रहित की और आदिम प्रेम के रागात्मक छुवन से अनुप्राणित बहुत ही खूबसूरत कथा का पट उन्होंने बुना है। इस प्रकार द्विवेदी जी हम देखते हैं इन चार उपन्यासों के द्वारा उपनिषद प्रादेशिक काल है तो प्रागैतिहास से लेकर के 12वीं-13वीं शताब्दी के भारत को व्याख्यायित कर और फिर व्याख्यायित करते करते उसमें दो बातें खास रखते हैं, एक प्रेम की प्रतिष्ठा और मनुष्य की श्रेष्ठता। मनुष्य की भी प्रतिष्ठा, प्रेम की भी प्रतिष्ठा इन उपन्यासों के माध्यम से बाणपट्टी की आत्मकथा द्विवेदी जी की एक प्रशिष्ट एक क्लासिक रचना है। इसका आधार प्रसिद्ध संस्कृत साहित्यकार कादंबरी, जैसा कि मैंने पहले कहा, और हर्षचरित का रचयिता बाणभट्ट है। उसके जीवन से कुछ वृत्तांत लेकर, उसके जीवन की कुछ बिखरी हुई कड़ियों को लेकर द्विवेदी जी ने यहाँ पर अपनी कथा का पट बुना है। द्विवेदी जी ने इतिहास के साथ में कल्पना को मिलाकर इतिहास रस की सृष्टि की। शुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास उनके नहीं है, वे इतिहास रस की सृष्टि करते हैं, जिसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इतिहास और कल्पना के सम्मिलन को इतिहास रस का प्रसिद्ध साहित्यकार। बाणभट्टे के जीवन की कतिपय घटनाओं के द्वारा नरलोक से किन्नर लोक तक व्याप्त एक ही रागात्मक हृदय की प्रतिष्ठा और आत्मदान को द्विवेदी जी इस उपन्यास के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। हम बाणभट्ट की आत्मकथा के रूपबंध पर चर्चा करें उसके पहले थोड़ी सी इसकी कथा की चर्चा में करना चाहूँगी, क्योंकि संभव है बहुत लोगों ने इस कृति को पढ़ा नहीं होगा। बाणभट्ट मगध का निवासी था, बड़े ही उच्च वात्स्यायन वंश में उसका जन्म हुआ था। मातृहीन बाण का पिता ने बहुत अच्छे से लालन पालन किया, मगर 10 वर्ष की उम्र में वे ही उसे अनाज छोड़कर चले गए। परिणाम स्वरूप जन्म का आवारा दप्पी अस्थिरचित्त बाण इधर उधर भटकता रहता, कहीं स्थिरता नहीं। कभी नट बनता, कभी नट मंडली चलाता, कभी पुत्रियों का नाच दिखाता और कभी स्वयं लिखता है और कभी कथावाचक बनकर लोगों को ठगता धोखा देता। ऐसी भटकन में एक दिन वो स्थानिश पर पहुंचता है, महाराजा हर्षदेव की राजधानी। जिस दिन बाण पहुंचता है उस दिन महाराजा हर्षदेव के भाई कुमार कृष्णवर्धन के पुत्र का जन्मदिन है। सारा नगर उल्लसित है, उत्सव मनाया जाता है और उसके उपलक्ष्य में एक जुलूस निकाला जाता है। द्विवेदी जी बाण के द्वारा यह जुलूस का बड़ा उत्तम वर्णन करते हैं और एक प्रकार से उस समय की सांस्कृतिक और सामाजिक परंपरा को हमारे सामने अभिव्यक्त करते हैं। समय देखकर बाण सोचता है कि मैं भी वहां जाऊं और पुत्र को वर्धापनी का देकर यानी बधाई देकर अपना भाग्य बना। बाण को लगता है कि आज उसके पूर्वज उसके इस कर्म पर प्रसन्न होंगे, विधाता का भी यही संकेत। राजभवन की ओर क्षिप्र गति से जाते हुए बाण के कानों में
एक शब्द सुनाई देता है, भट्ट और भट्ट कहाँ जा रहे। बाण देखता है, असल में उसकी मुलाकात आवाज निपुणिका, उसकी मुलाकात निपुणिका से होती है, जो पान की दुकान पर बैठी हुई पान कम बेच रही थी मुस्कान जाता। इस एक पंक्ति के वर्णन से हमें तत्कालीन समाज में नारी की स्थिति का अंदाजा आसानी से लग सकता है। बाण, अब त्रिवेदी जी यहाँ पर कथा को थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। निपुणिका बाण की नटमंडली में उज्जैनी में शामिल थी, बाण के प्रति पूरी तरह समर्पित थी, और एक बार जब वो मन ही मन बाण को चाहने के बाद जब वो एक दिन उसको लगता है नाटक के तैयारी के समय कि आज वो बाण के हृदय को जी लेगी, जीत लेगी, और उसी समय बाण एक श्लोक बोलता है और संस्कृत की अभिज्ञता के कारण उसे वो आहत होती है, अपना अपमान समझती है और वहाँ से भाग खड़ी होती है। बाण भी निपुणिका को खोजता है, खोजने में असफल रहता है, और फिर अपना लिखा हुआ प्रहसन चिपरा में डालकर जब तक निपुणिका न मिलेगी तब तक नाटक मंडली चलाने और नाटक खेलने न खेलने का प्रण करता है। यहाँ निपुणिका बाण को मिलती है, बाण उससे पूछता है कि निपुणिका तुम्हारे भागने का कारण क्या मैं था। तब निपुणिका कहती है, हाँ भट्ट, तुम ही थे। जब प्रणय के उत्कर्ष क्षणों में जब मुझे लगा कि आज मैं सब कुछ पालूंगी, उस समय तुमने मेरी आशा को धूली साथ कर दिया। तब मुझे लगा था कि तुम न नर हो न पशु हो, तुम जड़ पाषाण पिंड हो, तुम में एक अधिक जड़ता है। मगर 6 वर्षों के भटकन के बाद मुझे लगता है कि तुम्हारी वह जड़ता ही अच्छी थी। बाण जैसे संस्कारी पुरुष को देखने के बाद अपनी निपुणिका संसार में भटकते हुए और लोगों के आचरण को देखती है, तब उसके बाण के बहन की व्यक्तित्व का महनी पक्ष समझ में आता है। तब निपुणिका हंसते हुए बाण से कहती है, बाण, मैं भट्ट में एक काम करना चाहती हूँ, ये तुम्हारा सहारा तुम्हारी सहायता चाहिए। बाण पूछता है, क्या है? बाण को अब लगता है कि उज्जैन में वो नाटक खेल रहा था, उसका जीवन बन रहा था, तब उसके आदर्शन से घटित हुआ, पूरा हुआ, आज इसका दर्शन हुआ है, उससे भी उसकी हानि ही होने वाली है। तो निपुणिका का जाना उसे हानि देता है, निपुणिका को मिलना भी उसे हानि देता है। वो पूछता है, कौन सी मदद करनी है? तब वो हंसकर कहती है, देव मंदिर का उद्धार करना। बाण नारी देह को देव मंदिर के समान पवित्र मानता है। तब वो कहता है, प्रस्तुत, जा रहा था बाण राजभवन, अगर किसी दुखिनी के दुख मोचन यज्ञ में होम करने की भावना से परिचालित बाण तैयार होता है और कहता है, ला नेपथ्यला, नेपथ्य यानी वेश बदलने की जो सामग्री है पोषण, वो लेके। यहाँ पर जो सारी शब्दावली है बाण के समय की प्रति संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का द्विवेदी जी ने उपयोग किया। लाते नारी वेश में बाण छोटे राजकुल के अंतपुर में चैत्र त्रयोदशी के दिन निपुणिका के साथ पहुँचता है। द्विवेदी जी यहाँ जो वर्णन करते हैं अंतपुर के बदन उत्सव का जो वर्णन करते हैं, जिस नारी को छुड़ाने गया, जिस युवती को छुड़ाने गया है बाण, वो अपहृता कन्या है, छोटा राजा इसे अपनी बलात् अपनी वधु बनाना चाहता है, और आज उसने घोषणा की थी कि जो अगर उस रानी को तैयार कर लेगा, उस युवती को तैयार कर लेगा, राजा उसे बहुत बड़ी राशि से पुरस्कृत करेगा। और ये काम नियोनिया निपुणिका यानी नियोनिया को सोचा जाता है। बाण कहता है कि उसका नाम तो हाँ जी,
हेलो हाँ जी मैम चालू हाँ जी हाँ इसमें व्यवधान आ रहा है हाँ नहीं अब नहीं आएगा मैम वो शायद अब आपकी आवाज बराबर आ रही है मेरी आवाज आ रही है मैं दिख रही हूँ हाँ आप दिख रहे हैं लेकिन आपका फोन ऐसे हॉरिजॉन्टल मोड में रखना होगा नहीं वो अपने आप कुछ हो गया है उसमें हाँ अच्छा अब ठीक हो गया ना हाँ हाँ अब ठीक है मैम हाँ जी हाँ जी जी तो जो अपहृत कन्या है पलात वो अपनी रानी बनाना चाहता है यहाँ त्रिवेदी जी एक तरफ अंतपुर की विलास लीला का वर्णन करते हैं और दूसरी तरफ आप देखिए कि तत्कालीन समाज में कन्याओं का अपहरण होता था उनके साथ में जातियाँ होती थी और समकालीन संदर्भों में भी वही घटना आज भी तो अपने सामने देखते हैं बाण भट्ट त्रिपुणिका की मदद से अपहृत कन्या को मुक्त करना और चंडी मंडप में लाकर उसे छुपा दे वस्तु यहाँ आकर बाण को पता चलता है कि ये अपहृत कन्या वस्तुतः बालिक विमर्दन समर विजयी देवपुत्र तुवर विदित की एकमात्र कन्या है और फिर इसको चंडी मंडप से छुपाने के बाद बाण भट्ट उसके आगे जाने की व्यवस्था कर और कृष्णवर्धन नाराज होते हैं क्योंकि तो राजद्रोह किया है अगर जब पता चलता है कि देवपुत्र की ये पुत्री है तो उसकी व्यवस्था करते हैं त्रिपुणिका और भट्टी जी को नाव पर चढ़ाने के बाद बाण पुनः चंडी मंडन करता है यहाँ एक बात और है कि भले कितनी भी अधिक जड़ता बाण में हो बाण को रुकना आता है मगर भट्टी जी को देखते बराबर जिसका नाम चंद्रती धीति है देखते बराबर बाण का हृदय उल्वेटित हो जाता है उसका समस्त अस्तित्व उसके सामने ढरक जाना चाहता है अर्थात बाण के हृदय में प्रेम का अंकुर फूटने लगता है नाव पर चढ़ाकर बाण एक बार फिर से चंडी मंडप जाता है वहाँ उसका उनका साक्षात्कार तांत्रिक अघोर भैरव और महामाया भैरवी से होता है अघोर भैरव उसके मस्तक पर अंगूठा रखकर भविष्य में आने वाली घटनाओं का संधान करा बाण मोहाविष्ट होकर देखता है कि नाव डूब गई और भट्टी ने पानी में जा गिरी अघोर भैरव उससे पूछते हैं सच बता तो किसको बचाएगा तो उस कन्या के हाथ में महावरा है उसको बचाएगा या कन्या को बचाएगा बाण कहता है कि दोनों को बचाएगा अघोर भैरव कहते हैं झूठा है दोनों को बचाएगा तेरी जाति ही झूठी इन पंक्तियों तू झूठा है तेरी जाति ही झूठी है इन पंक्तियों की रंजकता हमें तब पता चलती है जब हम देखते हैं कि द्विवेदी जी तू ब्राह्मण है वो कहता तेरी जाति ही झूठी है तू ब्राह्मण है ना जब हमें पता चलता है कि द्विवेदी जी ब्राह्मण है अपने पर हंसना द्विवेदी जी का स्वभाव तब उससे कहते हैं देख जो तेरे मन में है उसे स्वीकार कर अघोर भैरव कहते हैं सत्य के लिए तू सत्य छुपा रहा है सत्य के लिए किसी से नहीं डरना गुरु से भी नहीं मंत्र से भी नहीं लोक से भी नहीं वेद से भी नहीं जो टैगोर जी ने कहा था तो महाकवि ने वेदी जी से कहा था सत्य के लिए किसी से नहीं डरना है उसी का सर्जनात्मक विनियोग द्विवेदी जी यहाँ पर बाण और अघोर भैरव के प्रसंग में करते हैं अघोर भैरव ये भी कहते हैं कि भुवन मोहिनी ने तुझे जिस रूप में लुभाया है तो उसी को स्वीकार करना द्विवेदी जी मानते हैं वे उपेक्षणीय नहीं है स्वीकार्य है और ये भी कहते हैं अघोर भैरव कि व्रतियों को दबाना भी नहीं चाहिए उनसे दबना भी नहीं चाहिए एक सहज व्यक्तित्व का निर्माण यहाँ बाण का होता है बाण आता है और जब ये लोग जाते हैं मगध की ओर तब अचानक आभीर सैनिकों का आक्रमण होता है और भट्टी ने नदी में कूद पड़ती आत्मग्लानी से प्रेरित होकर रास्ते में ही भट्टी ने बाण को अपनी सारी कथा सुनाती है कि कैसे वो राजमहल से जा रही थी और उसका अपहरण होकर उसे छोटा अंतपुर में पहुंचा दिया गया बाण भट्टी ने को बताता है मगर महावराह की जो प्रतिमा है वो पानी में डूब गई बाण के पीछे निपुणिका भी डूबती है और फिर बाण भट्टिनी को बताता है निपुणिका रह जाती निपुणिका पीछे से मिलती उसी समय महामाया
देवती जी जो कथा का पट है वो उसमें अपनी जीवन दृष्टि के साथ साथ में अपनी विचारधाराओं को भी बुनते जाते हैं सर्जना के माध्यम से। बाण तिनी को बचाता है, निपुणिका को खोजने जाता है, वहाँ माया वहाँ आती है। तब भट्टिनी अपने हृदय की बात महामाया से कहती है। वो ये कहती है कि मैं ये समझती थी कि नारी होना पाप का फल है, क्योंकि बार बार उसका अपहरण हुआ है और वो आत्मग्लानी से ही कूदी है, तो नारी जीवन को अभिशाप मानती थी। मगर जब से वो भट्ट के संसर्ग में आई है उसे नारी होना पाप नहीं बल्कि नारी जीवन सार्थक लगने लगा है, सफल होने लगा है। यहाँ हम देखते हैं कि द्विवेदी जी बताते हैं जो प्रेम है वो तो कैसे व्यक्ति को व्यक्ति के जीवन पे सार्थकता लाता है। महामाया कहती है भट्टिनी से नारी तत्व की व्याख्या करती है, वो खुद इस तत्व से जुड़ी है कि नारी की सफलता पुरुष को बांधने में है, तो सार्थकता उसे मुक्त करने में। जो हमने चाहा वो पाया, अगर हमने दूसरों के लिए उस पाए हुए को दिया तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है। द्विवेदी जी अपने पात्रों के द्वारा अपने जीवन को अर्थ बता देते। पाठ जब निपुणिका के टोह में जाता है एक विपत्ति में फंसता है। द्विवेदी जी इस कथा में हम देखते सारे तांत्रिक अभिटाक, राजनीतिक हलचल, सामाजिक क्रियाकलाप, सांस्कृतिक विचारधाराएं सबका पट एक साथ बुनते रहते हैं और इन सब के बीच में एक प्रेम का कोमल सूत्र निरंतर आगे बढ़ता रहता है। नई मुसीबत में फंस जाता है कुछ अघोर भैरव तांत्रिक और चंड मंडला, अघोर घंट माफ करिएगा अघोर भैरव में अघोर घंट और चंडमंडला जैसे तांत्रिक से बलि चढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। उसी समय महामाया वहाँ पहुँचती है अनायास। पाणभट्टी की आत्मकथा की कथा वस्तु में अनायास घटनाएं घटित होती हैं, उसे बचाती है। और निगम निगम ऐसा उद्भक्त नृत्य करती है, हवन कुंड को नष्ट कर देती है, पाण और निपुणिका मूर्छित हो जाते हैं और फिर दौरी की बहुत बड़ी शक्ति है उनके आवास में अपने को पाते। कथा धीरे 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 गति पकड़ती है और एक चीज और यहाँ होती है कि बाण और भट्टिनी के बीच में जो प्रेम का अंकुर प्रस्फुटित हुआ था वो साथ रहने के कारण धीरे 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 अंकुरित होता है। तो निपुणिका बाण को हृदय से जानती है। वो कहती है एक बार वो बाण से पूछती है कि भट्ट तुम्हारी उदासी का श्रेय थोड़ा भी सौभागिन को है? तो भट्ट कहते हैं हाँ निपुणिया है ना, क्या मैं सचमुच जड़पाषाण पिंड हूँ? तब निपुणिका कहती है कृतार्थ हुआ इससे अधिक का लोभ मुझ में नहीं है और अधिक क्षमता भी मुझ में नहीं। निपुणिका धीरे 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 निपुणिका ने भी जब से महामाया से सुना है कि नारी की सफलता पुरुष को बांधने में है, सार्थकता से मुक्त करने में है, सुख और दुख की लाख लाख धाराओं में, महामाया कहती है सुख और दुख दुख की लाख लाख धाराओं में अपने आप को दलित द्राक्षा की तरह गर्व से निचोड़ कर दे देना ही नारी तत्व। नारी तत्व यानी यही नारी है जहाँ त्याग। और द्विवेदी जी तो ये भी कहते हैं कि ये सैन्य संचालन ये सारा तामझाम तब तक अधूरा है जब तक कि उसमें नारी तत्व नहीं है। नारी तत्व का मतलब है एक उदार निराग्रह मानवतावादी जीवन दृष्टि जो मनुष्य को सफलता से सार्थकता की ओर ले जाता है। जब से निवना ने सोचा देखा कि देने में ही जीवन की सफलता है, धीरे 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 वो अपने को तिल तिल मिटाती है, क्षण क्षण गलाती है। वो देखती है कि भट्ट और भट्टिनी के बीच एक प्रेम का अंकुर फूट चुका है, प्रेम घना हो चुका है और वो चाहती है कि भट्ट और भट्टिनी का मिलन। ऐसे में घटना घटित होती है, देश पर आक्रमणकारियों का आक्रमण होने लगता है और ऐसे में भट्टिनी के पिता देवपुत्र तुवर मिलिंद ही देश की सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं। जब उनको पता चलता है कि देवपुत्र तुवर मिलिंद अपनी पुत्री के वियोग के कारण दुखी है, निष्क्रिय है, तो पुनः स्थानेश्वर के राजा हर्षदेव और कुमार कृष्णवर्धन भट्टिनी को अपने यहाँ बुलाना चाहता है।
एक प्रकार से देखा जाए तो ये राजनीतिक लाभ की प्रक्रिया है कि जहाँ से लाभ मिल रहा है वहाँ से हम उनको बुला करके हमारे कामों को हम निपटा लें, और यही चीज हम आज देख रहे हैं भाई कि भाई द्विवेदी जी का जो दृष्टिकोण है वो ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से वर्तमान को समेटता लेता है। पहले नाराज होती है निपुणी का, मगर बाद में जाते हैं बाण पहुँचता है, पहले राज्यसभा में अपमानित होता है फिर सम्मानित होता है। मगर भट्ट और भट्टिनी के प्रेम का सूत्र गहरा होता जाता है, पर निपुणिका का त्याग धीरे 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 बलवती होता चला जाता है। हम देखते हैं कि ऐसे में भरभू शर्मा आचार्य, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है देश रक्षा में, आते हैं और उनके स्वागत में एक नाटक का आयोजन किया जाता है, हर्षदेव लिखित नाटक रत्नावली का, की भूमिका करता है। रत्नावली की भूमिका नगरश्री चारुस्मिता करती है और वासव दत्ता की भूमिका स्वयं निपुणिका करती है। नाटक के अंत में उदयन का हाथ रत्नावली के हाथ में देते समय निपुणिका मूर्छित हो जाती है। वो कहती भी है कि जो वास्तव है उसको छुपाना और जो अवास्तव है उसका आचरण करना अभिनय ही तो है, अभिनय ही किया है मैंने जीवन में। बाण के प्रति उत्कट प्रेम वो छुपाती और निरंतर चाहती रहती है कि वो बाण और निपुणिका का मिलन करवा, उर्चित हो जाती तब उसके नाटक की स्वाभाविकता को समझकर सारी दर्शक देरी का साधुवाद साधुवाद कहती है, मगर निपुणिका आपस नहीं उठती तो अपने आप को खपा देती है। तो प्रेम की दो विपरीत धाराओं को एक सूत्र में मिलाकर ये घोषित कर देती है कि प्रेम एक और अविभाज्य है, उसे ईर्ष्या और असूया ही विभाजित करके छोटा करती। निपुणिका के वियोग के बाद बाणभट्ट और भट्टिनी को भी अलग होना पड़ता है। देश की सीमा पर प्रत्यंत दस्युओं का आक्रमण होता है, भरभू शर्मा का पत्र आता है बाण को, और उधर महामाया भी देश की रक्षा के लिए सक्रिय होती है। वो अपनी साधना को छोड़कर प्रायः देश रक्षा के लिए वक्तव्य देती है और कहती मिर्च भाई नहीं पहली बार भी नहीं आ रही है, आखिरी बार भी नहीं आ रही, आती रहेगी। आर्यावर्त के पुत्रों अमृत पुत्रों मृत्यु का भय माया है, दो विश्व युद्ध हो चुके थे, हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, आज़ादी का जंग उस समय जोर पकड़ रहा था और देश रक्षा का ये आह्वान समय की तत्कालीन परिस्थिति को प्रचंड रूप से कथा में बुन लेता है। भट्ट को भरभू शर्मा के पत्र से भट्ट को भी भट्टिनी को छोड़कर जाना पड़ता है राष्ट्र रक्षा के लिए सीमा पर। जाते समय भट्टिनी बड़े ही कातर भाव से कहती है जल्दी ही लौटना भट्ट, बाण कुछ कहता नहीं है मगर उसका भीतर चित्कार उठता है क्या कभी मिलना होगा, और इसी के साथ उपन्यास खत्म हो जाता है। बहुत सारी राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं को समेटता है, कथानक अधूरा लगता है। द्विवेदी जी लिखते हैं इसके कथामुख में कि बाणभट्ट की प्रतियों की भांति यह कथा भी अधूरा है। वस्तुतः कथा का यह अधूरापन ही उसकी शैल्पिक सौष्ठव है, कथा की विशिष्टता है। इस प्रकार की कथा में जब हम देखते हैं तो इसमें कुछ ऐतिहासिक पात्र हैं, कुछ काल्पनिक पात्र हैं, जितने भी नारी पात्र हैं वे सारे के सारे द्विवेदी जी की कल्पना की उपज है। एक नायक बाणभट्ट है जो कादंबरी और हर्षचरित का रचयिता है, आत्मकथा का बाण उसी के अनुरूप कल्पनाशील है। नारी सौंदर्य हो, प्रकृति का सौंदर्य हो, कोई भवन हो, कोई मूर्ति हो, उसके वर्णन में उसके दर्शन में उसका मन रमता है और उसका वर्णन वो बाण की ही भांति उत्मा उत्प्रेक्षा का सहारा लेकर बड़े ही मनोहारी ढंग से करता है। वो भावुक है, भावनाशील है, संवेदनशील है, छोटी मोटी घटनाएं भी उसके हृदय को प्रभावित करती है। एक तरफ वो कादम्बरी का बाण है, दूसरी तरफ वो द्विवेदी जी का बाण है। नारी को सम्मान की दृष्टि से देखता है, वो कहता है मैं नारी देव को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ, उसके बारे में की गई अननुकूल टीका टिप्पणियों को सहन नहीं कर सकता। वो ये भी कहता है
कि प्रायः जिन्हें लालचित और परभ्रष्टा माना जाता है उन नारियों में एक दिव्य जो शक्ति होती है लोग उसे नहीं देख पाते हैं, मैं देख पाता हूँ। प्रेम है उसमें, यहाँ प्रेम की भी एक अलग ही विभावना द्विवेदी जी देते हैं। भट्टिनी को देखते बराबर उसका सारा मन उसकी तरफ धड़क जाता है। द्विवेदी जी एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि द्रवित नवनीत की भांति धड़क जाना चाहता है, मगर संयम की एक वल्गा उसे रोक लेती है और उसको इस बात का अभिमान भी है कि मुझे रुकना आता है। उसकी अडिगता जैसा कि टिप्पणिका कहती है जड़ता है, मगर ये उनके चरित्र निर्माण की एक विशेषता है। कहीं उसमें तेजस्विता है तो कृमाशकर्षवर्धन से बराबरी का मुकाबला करता है, तो वो द्विवेदी जी के व्यक्तित्व की तरह फक्कड़ भी है, मनमोह जी, वो कहता है इनमें कोई योजना बनाकर नहीं चलना। और सारा केंद्रीय चरित्र है, सारी घटनाएं उसको केंद्र में रखकर घटित होती, उसके साथ उसका युग साकार होता। वो सत्य का अन्वेषी है, स्पष्ट वक्ता है, संवेदनशील है, पर फिर भी मुकाबला करता है। नारी के रक्षा के लिए वो प्रायः अपने सुखों का भी त्याग करता है। उसकी सबसे बड़ी चिंता है नारी की स्थिति को बदलना। वो कहता भी है कि मैंने एक भट्टिनी का उद्धार तो कर दिया, मगर इस अंतपुर में करंक वाहिनियाँ, चामर धारिणियाँ, कितनी अपरता कन्याएं होंगी इसकी क्या गिनती है, और ऐसे अंतपुर की सीमा यहीं तो खत्म नहीं हो जाती। तो नारी का उद्धार उसके लिए एक सबसे बड़ी चिंता का विषय। एक दूसरा प्रमुख पात्र है निमुनिया और तीसरा है भट्टी। भट्टिनी राजपुत्री है, कौलिन्य गर्व से परिपूर्ण है, उसमें एक गरिमा है। जब पहली बार बाण उसे देखता है तो कहता है कि ऐसी पवित्र रूप राशि इस धरती पर कैसे संभवेगी। उसका चरित्र धीरे 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 विकसित होता है बाण की, या कहे द्विवेदी जी की उत्मा, उत्प्रेक्षा और विशेषणों की लड़कियों के द्वारा। मगर वहीं निपुणिका है, बाल विवाह का आखेट है, उन्मार्गगामी सौतेली माँ के कारण उसमें संस्कार नहीं है। तो उसे उल्टा मानते हैं, पतिता मानते हैं लोग, पथ भ्रष्टा मानते हैं। वो एक झरने की, वो एक बरसाती नदी के समान एकदम गति से बहती है, जबकि भट्टिनी एकदम कल कल कर बहती हुई शांत नदी के समान है। दोनों एक दो अलग प्रकार के व्यक्तित्व हैं। बाण में भी दो विरोधी गुण हैं, एक तरफ वो बड़ा पंडित थे, पाठित थे, प्रज्ञावान है, दूसरी तरफ वो भोला भाला है। प्रणय के क्षेत्र में वो अपने आप को समझ ही नहीं पाता, भट्टिनी उससे कहती भोले हो, टिप्पणिका उससे कहती भोले हो, कुमार कृष्णवर्धन कहते भोले, असल में अपने प्रेम को समझ कर भी नहीं पाता है। विरोधी ताकतों का यहाँ पर हम, विरोधी गुणों की हम ताकत यहाँ देखते हैं, वैसे ही निपुणिका और भट्टिनी में है। भट्टिनी एकदम कौलिन गर्व से बहनी चरित्र है, निपुणिका बाण को चाहती, मगर भट्टिनी भी बाण को चाहती। और हम देखते हैं इन दोनों के, तीनों के कारण एक प्रणय त्रिकोण, लव ट्रायंगल बनता है। प्रायः यह होता है कि जहाँ प्रणय त्रिकोण होता है वहाँ तनाव होता है, वहाँ संघर्ष होता है, वहाँ छीन झपट होती है, वहाँ पाने का नहीं टाने का वेग होता है, वहाँ दे दू नहीं ले लू जैसी भावना है। कितने ही उपन्यास ऐसा है जहाँ प्रणय त्रिकोण के कारण हम तनाव, संघर्ष और मानसिक विकृति के उदाहरण देखते हैं। मगर यहाँ स्पर्धा है पाने की नहीं, लुटाने की वेग की स्पर्धा है। प्रायः एक दूसरे के सुख को दादा देने की भावना से परिचालित है। यहाँ पर हम देखते हैं एक प्रसंग ऐसा है कि जब निपुणिका बहुत बीमार हो जाती और एक दिन भावावेग में वो बाण के चरण पकड़ लेती, सामने भट्टिनी खड़ी है, बाण संभ्रम में एकदम खड़ा होकर कहता है कि निपुणिका ये क्या कर रही है। तब भट्टिनी उससे कहती है मत छुड़ाओ भट्ट, उसे शांति मिल रही है। भट्टिनी का उपक्रम कहता है कि निपुणिका को बाण का प्रेम मिले। निपुणिका निरंतर इस बात से परिचालित रहती है कि भट्टिनी और बाण का प्रेम एक कोई रूप धारण करे, दोनों प्रेम की पराकाष्ठा तक। ये प्रणय त्रिकोण द्विवेदी जी का प्रणय त्रिकोण है, क्योंकि द्विवेदी जी यहाँ प्रेम के माध्यम से
मनुष्य की स्थापना करते हैं, जीवन की सार्थकता स्थापना करते हैं। यहाँ दो बातें उन्मार्ग गामी दी टिप्पणी का है, वो भट्ट का प्रेम पाकर के धीरे 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 अपने पुंसल विकारों को छोड़कर, हीन विचारों को छोड़कर निरंतर ऊर्ध्वकृत होती है और अपने आत्मदाह के माध्यम से वो जीवन का सर्वोच्च प्राप्त करती, जीवन को सार्थक बनाती। भट्टिनी है वो राजपुत्री है, भट्ट का प्रेम उसे एक सामान्य नारी के रूप में नियोजित करता। वो कहती है, मैं देवी नहीं हूँ भट्ट, मैं सौ सौ बालिकाओं के समान सामान्य बालिका हूँ, मैं हूँ चंद्र की दीदी भट्ट तुम्हारी भट्टी। एक उनका प्रेम, बाण का प्रेम, या हम कहें प्रेम, एक उन्मार्ग गामिनी को अपने चरित्र की उच्चता तक ले जाता है और वही प्रेम एक राजपुत्री को सामान्य बालिका के समान व्यवहार करने के लिए उद्यत करता है। ये द्विवेदी जी के प्रेम की विभावना है, ये द्विवेदी जी के प्रेम की और इसी में दोनों की सार्थक। मगर ये प्रेम केवल तीन पात्रों तक सीमित नहीं रहता है, व्यष्टि से निकलकर सबस्टिक दिख जाता है। बाण से भट्टिनी कहती, जब देश की स्थिति खराब हो जाती, भट्टिनी बहुत ही सहृदय है, वो नारियों की स्थिति देख रही, वो देश की स्थिति देख रही है, उससे वो आक्रांत भी है, वो उससे कहीं ना कहीं दुखी भी है। वो बाण से कहती है, साहित्य के द्वारा समाज को सुंदर बनाने का उपक्रम द्विवेदी जी चाहते हैं और यही साहित्य के द्वारा समाज को सुंदर बनाने का उपक्रम द्विवेदी जी के पात्र चाहते हैं। भट्टिनी कहती है बाण से कि तुम भट्ट, तुम अपने कविता के द्वारा नरलोक से किन्नर लोक तक व्याप्त रागात्मक हृदय की व्याप्ति कर सकते। एक जाति दूसरी जाति को ब्लेच्छ कहे, एक जाति दूसरी जाति को छोटा कहे, इससे अधिक बुरा और क्या हो सकता है। भट्ट तुम आर्यावर्त के द्वितीय कालिदास, तुम ही एक करुणायुक्त चित्त का साक्षात्कार करा सकते और वह सामान्य बालिका के समान इस पद पर तुम्हारे साथ अग्रसर होना चाहती। हम यहाँ देखते हैं कि द्विवेदी जी का प्रेम है भट्टिनी के इस कथन के माध्यम से व्यष्टि से निकलकर समष्टि तक जाता है। वो भट्ट के द्वारा, भट्ट के साहित्य के द्वारा मानव मात्र को सुखमय बनाने की, उनके भीतर प्रेर घृणा और जो दुष्विचार है उनको दूर करने की कोशिश करती। दो पात्र इसमें और हैं, एक सुचरिता है, नारी पात्र है, वो भी द्विवेदी जी की कल्पना के ऊपर, एक महामाया है, वो भी उस समय के सामंती प्रथा का शिकार, सामंती विधान से परेशान है, सुचरिता भी और महामाया भी। सुचरिता न्यूनिया की सखी, जब दूसरी बार बाण जाता है थानेश्वर, तब उसका परिचय सुचरिता से हो। असल में सुचरिता के पति वीरति वज जो साधक थे, कौल मार्ग की साधना में रत थे, वे वापस साधना से अपने घर पर आते हैं और गृहस्थ धर्म को अंगीकार करते हैं और दोनों पति पत्नी भागवत धर्म का स्वीकार कर राज्य उन्हें झूठे आरोपों पर उन पर झूठे आरोप लगाकर बंदी बनाता है और कारागृह में डाल देता है। बाण सुचरिता से निकट बध यानी बेड़ियों में जकड़ी हुई, हथकड़ियों में जकड़ी हुई सुचरिता को जेल में देखता है। तब सुचरिता उससे कहती, अब निर्दोषता बताती, सुचरिता कहती है कि ये दो प्रतिद्वंदी स्वार्थों का संघात है यार, हम तो निमित्त बने हैं, मनुष्य जाए चूल्हे भाड़ में, इन्हें अपने धर्म मत का डिंडिंग पीटना है, एक की पीठ पर राज सत्ता है तो दूसरे की हथेली में प्रजा का भी दल। वर्तमान की जब हम मंदिर मस्जिद का झगड़ा या हम सांप्रदायिक झड़ते वर्तमान में देखते हैं, सुचरिता का ये कथन उस हर्षकालीन परिवेश को समकालीन संदर्भों से जोड़ता हुआ नजर आता है। बलात् आज इन दिनों हम देख रहे हैं झूठे आरोप में बंदी बनाकर कारागृह में कैसे लोगों को डाल दिया जाता है। सुचरिता, द्विवेदी जी की सुचरिता इस वर्तमान को तत्कालीन समय के परिप्रेक्ष्य में अपने कथन के माध्यम से व्यक्त करती है। और आप देखिएगा इसकी शब्दावली, तो प्रतिद्वंद्वों का ये संघात, स्वार्थी प्रतिद्वंद्वों का संघात है,
मनुष्य जाए चूल्हे भाड़ में, कहाँ एक तरफ संस्कृत शब्दावली है और सुचरिता एकदम सामान्य नारी है, इसलिए वो चूल्हे भाड़ की बात करती है। हम यहाँ देखते हैं एक और पात्र है सामंती विधान का, नारी के प्रति और तत्कालीन सामंती विधान का जो रवैया है जो आज भी फिट बैठता है सुचरिता के माध्यम से, यहाँ पर द्विवेदी जी हमें बताते हैं। और द्विवेदी जी के मन में बसा हुआ कोई जो नारी सौंदर्य है उसका मूर्ति मंत्र रूप सुचरिता में दिखाई दे, महामाया है वो भी सामंती विधान, नारी समझ सारी की सारी दारियाँ न्यून्या है, बट्टिनी है, सुचरिता है, महामाया है, नारी समस्या को लेकर आती है। महामाया है उसका वागदान यानी सगाई अघोर भैरव से हो गई थी, अगर राजनीतिक छल छद्म करके मुक्ति नरेश ग्रह वर्मा से उसका विवाह करवा दिया जाए, 10 साल तक वहाँ रहने के बाद उसका मन नहीं लगता है तो वो अघोर भैरव की तंत्र साधना में शामिल होकर साधिका बन जाती है। कहीं प्रेम जंगल को छोड़कर जीवन में आता है और यहाँ प्रेम राजमहल को छोड़कर साधना के पथ पर अग्रसर होता है। ये द्विवेदी जी के पात्र हैं और इन पात्रों के जरिए जब वो कहती है कि धर्म सुचरिता जब कहती है कि हम लोग तो केवल निमित्त बने हैं इसके, तब हम देखते हैं कि तत्कालीन समाज में धर्म के नाम पर मत मतांतर के नाम पर कैसे निर्दोषों को दोषी मानकर के दंडित कर दिया जाता। बाणभट्टी की आत्मकथा में परिवेश विभिन्न रूपों में आया है, उसकी चर्चा में यहाँ समय के अभाव में थोड़ी मैंने कर दी है, थोड़ी शिल्प की चर्चा करते समय मैं करना चाहूँ। बाणभट्टी की आत्मकथा को अद्वितीय नामवर सिंह ने इसे अभिनव प्रयोग कहा है, उसको अद्वितीय बनाने वाला तत्व है उसका शिल्प, उसकी शैल्पिक संरचना। बाणभट्ट की आत्मकथा के रूपबंध पर जब हम विचार करते हैं तब हमें लगता है एक बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि द्विवेदी ने उपन्यास के प्रचलित स्वरूप को स्वीकार न करके संस्कृत की कथा आख्याया का शैली को यहाँ पर अपनाया। द्विवेदी जी वस्तुतः गुल में जाना चाहते हैं, वे परंपरा में प्रयोग करते हैं, यहाँ उन्होंने परंपरा और प्रयोग के द्वारा नव्यता की रचना करते हुए संस्कृत की कथा आख्यायिका शैली को हिंदी की प्रकृति में ढालने का प्रयास किया। जब हम इसके शिल्प की ओर दृष्टि करते हैं तो आचार्य ने जो सिद्धांत दिए हैं, जो तत्व दिए हैं कथा आख्यायिका के, उन सारे तत्वों का यहाँ पर निर्वाह है। जैसे कि परिच्छेदों में उसका विभाजन होना चाहिए, अर्थित सामग्री का कथा नायक के द्वारा ही वर्णन होना चाहिए, उत्मा उपेक्षा अलंकार का अलंकारों का प्राचुर्य होना चाहिए, सामासिकता होनी चाहिए, आरंभ में आराधना होनी चाहिए, वंदना होनी चाहिए, सारे तत्व यानी कथा नायक बाण है, सारी कथा उसी के द्वारा की गई है, सारी कथा का उच्छ्वासों में वर्णन है, आरंभ में है अत बाणभट्ट से आत्मकथा लिखी है और फिर प्रथम उच्छ्वास द्वितीय उच्छ्वास तृतीय उच्छ्वास बाणभट्ट के उससे ही पूरी कथा लिखी गई है, अलंकार प्रचुर बाण की ही शब्दावली उत्मा उपेक्षाओं की लड़ी झड़ी यहाँ दिखाई देती है, मगर द्विवेदी जी इसमें अभिनव प्रयोग करते हैं, बाणभट्ट की शैली में अपनी नितांत मौलिक शैली की समायोजना करते हैं। इसकी उनकी शैल्पिक संरचना में एक सबसे बड़ी बात हमें यहाँ दिखाई देती है कि बाणभट्ट की आत्मकथा की कथा में आरंभ में कथानक है, अंत में उपसंहार परंपरागत शैली, अगर कथानक और उपसंहार दोनों ही विशिष्ट रूप से यहाँ प्रयुक्त हुए। ब्योमकेश शास्त्री के नाम से द्विवेदी जी ने एक लेख लिखा था, उस शांति निकेतन के ब्योमकेश शास्त्री का द्विवेदी जी यहाँ पर सृजनात्मक विनियोग करते हैं। कथा उसमें कथा इस प्रकार प्रस्तुत की जाती है कि अष्टीय वर्षीय मिस कैथराइन जिन्हें दीदी अर्थात दादी के नाम से ब्योमकेश शास्त्री प्यार से पुकारते हैं, वो भारत की प्राचीन संस्कृति प्राचीन चीज़ों की बड़ी ही जानकार है और उन्हें प्रिय भी लगती है। स्वर्ण नदी के तट पर घूमते समय उन्हें बाणभट्ट की आत्मकथा मिलती
और रात भर बैठकर वो उसका हिंदी अनुवाद करती और फिर लोकेश शास्त्री को संपादन के लिए देती और कहती है ले भला इसका अनुवाद मैंने कर दिया है तो इसको ठीक ठाक करके छपवा दी। लोकेश शास्त्री उसका संपादन करते हैं और साथ साथ जहाँ आधार लिए हैं टिप्पणियाँ ली गई हैं कादंबरी हर्षचरित्र उनके समकालीन साहित्यकारों की जो काव्य ग्रंथों से संपदा ली गई है उसका हवाला भी देते जाते हैं। कथाबुक में द्विवेदी जी कहते हैं अब लोकेश शास्त्री कहते हैं असल में दीदी की कथा ही महत्वपूर्ण है पीछे दी गई टिप्पणियाँ तो उसकी प्रमाण के सबूत है। एक ईमानदार चर्चक की भांति सर्दक की भांति द्विवेदी जी यहाँ इन चीज़ों को खोलते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा का दीदी को मिलना लोकेश शास्त्री को संपादन के लिए देना एक भ्रमोत्पत्ति करता एक साहित्यिक छल का निर्माण करता और संस्कृत से भिज्ञ पाठक की कथा इस प्रकार से प्रस्तुत होती है कि संस्कृत से भिज्ञ पाठक भी प्रायः इस छल का शिकार हो जाता है इस भ्रम में पड़ जाता है कि शायद बाणभट्ट ने अपनी कोई आत्मकथा लिखी होगी और कतिपय विद्वानों ने तो इसे आत्मकथा ही माना है और बहुत तर्क वितर्क के बाद भी ये स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि ये उपन्यास है। तो भ्रम की उत्पत्ति होती है कथा में। दूसरा उपसंहार, उपसंहार में उपन्यासकार भ्रम को तोड़ता है। दीदी का पत्र है, दीदी 8 साल रही, भारतीय प्राचीन चीजों की खोज की, बाणभट्ट की आत्मकथा मिली, संपादन किया कि तूने इस प्रकार से उपसंहार में दीदी का पत्र है कि ले भला तूने कितनी बड़ी गलती कर दी है, मैं समझती थी तुझे संस्कृत का ज्ञान है मगर तूने इस प्रकार से प्रस्तुत किया है कि ये मानो ऑटोबायोग्राफी है। नरलोक से किन्नर लोक तक एक ही रागात्मक हृदय व्याप्त है तो यहाँ छल टूटता है और कृति को एक नया आयाम मिलता है। कृति एक नए संदर्भ से जुड़ती मानो यहाँ पर बाणभट्ट दीदी के इस कथन से ऐसे प्रेमी का प्रतीक बन जाता है जो अपने प्रेम को समझकर भी नहीं समझ पाता है। एक प्रकार से लोकेश शास्त्री का ये कथन तो क्या दीदी ने हम लोगों के अज्ञात कवि प्रेमी की दृष्टि से ही अपने को देखने का प्रयास किया है। कथा एक नया परिमाण प्राप्त करती है प्रेमी की दृष्टि से अपने को देखने का प्रयास और कथा पूरी की पूरी एक अलग अलग इसको कहते नए आयाम को यहाँ पर ग्रहण करती है। छल कथामुख में छल आता है तथा उपसंहार पे छल टूटता है। यहाँ पर द्विवेदी दीदी ने संस्कृत की कथा आख्यायिका शैली पे हम देखते हैं कि कथामुख के उपसंहार इस प्रकार की मगर यहाँ पर द्विवेदी दीदी ने इनका दो स्तरों पर प्रयोग किया है कथामुख और उपसंहार का एक कथ्य के स्तर पर दूसरा शिल्प के स्तर पर। कथ्य के स्तर पर तो हमने देखा है कि किस प्रकार वो छल को उत्पन्न भ्रम का उत्पन्न करते हैं एक साहित्यिक छल करते हैं और उपसंहार में छल को तोड़कर कृति को एक नया आयाम देते हैं अपनी ही अपने प्रेमी की दृष्टि से अपने को देखने का एक प्रयास तो करते हैं। तो शास्त्री कहते हैं तो क्या दीदी ने अपनी प्रेमी की दृष्टि से अपने को देखने का प्रयास किया है और शिल्प की दृष्टि से हम देखते हैं कथा पूरी रचना को ब्रैकेट करती है आत्मकथा और उपसंहार कथा को ब्रैकेट करते हैं क्योंकि बाण की शैली में लिखा है आत्मकथात्मक शैली में लिखा है तो बिखराव इससे कथा में एक कसावट आ गई है एक सूत्रता आ गई है। अपने वंश का परिचय देता हुआ बाण जब कथा कहना शुरू करता है और पूरा का पूरा एक पूरा सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक और भीतर की हलचलों को खोलने का जब वो प्रयास करता है कथा पाठक उसके क्षेत्र में प्रवेश करके उसे रसमयता से ग्रहण करने लगे तो यहाँ पर उसका कलात्मक विनियोग हुआ। जैसा कि हम देखते हैं कि ये जो रचना है इसका आधार बाणभट्ट है कादंबरी और हर्षचरित का प्रणेता बाणभट्ट तो बाणभट्ट की वर्णन शैली का यहाँ पर द्विवेदी जी ने कलात्मकता से भी उपयोग किया है
निवेदी जी के बाण की जब कोई प्रकृति की कोई मनोहारी शोभा है, नारी सौंदर्य है, कोई मूर्ति है, वहाँ पर बाण का मन खूब रमता है और रमने के साथ साथ वो उनके मनोहारी दृश्य अंकित करता है। उनकी वो मनोहारी छटाएं अपनी कलप से हमारे सामने बिखेरता रहता है। रंग उपमा है, उत्प्रेक्षा है और ये वर्णनों में द्विवेदी जी की तन्मय कलाकार की हृदयग्राही संवेदना के साथ साथ बाण की शैली का समायोजन यहाँ द्विवेदी जी करते हैं। मैं एक तो उदाहरण देकर के अपनी बात यहाँ करना चाहूँगी। एक उदाहरण है प्रकृति का। प्रकृति का दृश्य किस प्रकार से द्विवेदी जी बाण के शब्द में करते हैं। प्रभात का वर्णन कुछ नहीं है, चांद डूब गया है, चंद्र डूब गया है, सूरज निकल आया है, पीला प्रकाश फैला है, मगर बाण की अलंकारिक शैली में, बाण की ही मुद्रा में द्विवेदी जी बात करते हैं। देखते ही देखते चंद्रमा पद्म मधु से रंगे हुए वृत्त कलहंस की भांति आकाश गंगा के पुलिन से उदास भाव से पश्चिम जल निधि के तट पर उतर गया। समस्त दिग्मंडल व्रंत रंकु मृग की रोमराजी के समान पांडुर हो उठा। खाती के रंग से रंजित सी के सटाफार की भांति किवा लोहित वर्ण लाक्षारस के सूत्र के समान सूर्य किरणें आकाश रूपी समान सूर्य किरणें आकाश रूपी वन भूमि से नक्षत्र रूपी फूलों को इस प्रकार झाड़ देने लगी मानो वे पद्मराग मणि की शलाकाओं से बनी झाड़ू। तारे डूब रहे हैं और सूर्य का प्रकाश निकल रहा है, मगर आप पूरी की पूरी यहाँ उपमा और उत्प्रेक्षाओं की जो झड़ी देखते हैं वो बाण की ही शैली में है। ऐसा ही एक और नारी सौंदर्य का वर्णन है द्विवेदी जी या बाण का, द्विवेदी जी का बाण। जब भट्टिनी को पहली बार देखता है तब उसके रूप, उसके सौंदर्य, उसकी पुतकारिता से प्रभावित होता है और उसे लगता है कि इतनी पवित्र रूप राशि, मैंने पहले भी ये बात कही, कैसे धरित्री पर संभव हुई। और तब बहुत लंबा विज्ञान, बहुत लंबा है ये उदाहरण। यहाँ पर जब जो वर्णन करते हैं द्विवेदी जी प्रकृति के, उत्सव के, या फिर शिल्प के, मूर्ति के, नारी सौंदर्य के, तब तीन तीन पेज में उनके वर्णन चलते हैं पूरी बाण ही की शैली में। यहाँ द्विवेदी जी का जरा एक हम देखते हैं। निश्चय भट्टिनी के लिए कह रहा है बाण, निश्चय ही यह धर्म के हृदय से निकली हुई है, मानो विधाता ने शंख से खोद कर, मुक्ता से खींच कर, मृणाल से संवार कर, चंद्र किरणों के कुर्चक से प्रक्षालित कर, सुधा चूर्ण से धोकर, रजत कण से पोंछ कर, कुटज कुद और सिंधुवार पुष्पों की धवल कांति से सजाकर ही उसका निर्माण किया था। ये पूरी की पूरी बाणभट्ट की शैली, और इसे बहुत लंबा है, मैंने इसके थोड़े से यहाँ पर अंश लिए। द्विवेदी जी की शिल्प की विशेषता ये है कि जहाँ ये बाणभट्ट की शैली का अनुसरण करते हैं वहाँ अपनी भी शैली, अपनी ही वर्णन कला को संयोजित करते हैं। निपुणिका जब नई नई बाणभट्ट के पास आती है तब उसके सौंदर्य के बारे में बाण कहता है। निपुणिका बहुत सुंदर नहीं थी, उसका रंग शेफालिका के कुसुम नाल से मिलता था और उसकी सबसे अधिक चारुता संपत्ति उसकी आंखें और अंगुलियां थी। वे अंगुलियों को सौंदर्य का बहुत बड़ा उपादान मानता हूँ। नटी की प्रणामांजलि और पताक मुद्राओं में लंबी लंबी छरहरी उंगलियों का बहुत महत्व रहता है। ये द्विवेदी जी का वर्णन। इस वर्णन में हम देखते हैं कि द्विवेदी जी की पूरी जो एक परिवेक्षण की दृष्टि है वो बारीक से बारीक चीजों को और नाट्य विद्या की छोटी छोटी कलाकारी को, टटी के गुणों को यहाँ पर देखते हैं। एक और द्विवेदी जी का अपना एक तरीका है लयात्मक सौंदर्य को व्यक्त करने के लिए, वे छंद प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं सुचरिता का पूरा शरीर ही छंदों से बना था, उसके वस्त्र
के पद से उसका कंठ स्वर उसकी दृष्टि सब कुछ यहाँ छंदों से बना था। तो ये द्विवेदी जी की अपनी वर्णन शैली है। वाण की शैली में द्विवेदी जी की वर्णन शैली कला को की रचनाकार की कला को दिखाते दिखाते हम उनकी सृजन क्षमता का भी यहाँ पर परिचय पाते हैं। द्विवेदी जी जब इस प्रकार के वर्णन करते हैं तब लगता है कि जहाँ गजिल वर्णन होते उपमा उत्प्रेक्षा होती जहाँ झड़ी लग जाती है जहाँ संस्कृत बाढ़ की तरह द्विवेदी जी ने वर्तमान अव्यवहृत संस्कृत निश्चय शब्दों का बहुतायत से प्रयोग किया है तो वहाँ भाषा अपारदर्शी हो जाती है, कहीं कहीं जटिल हो जाती है, कहीं कहीं गजिन हो जाती है। और इस गजिनता को दूर करने के लिए इस जटिलता को दूर करने के लिए द्विवेदी जी भाषा की बिंबात्मकता का सहारा लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों पात्र एक दूसरों से प्रेम करते हैं मगर अपने प्रेम को अव्यक्त रखते हैं। प्रेम की व्यंजना यहाँ गूढ़ भाव से हुई है। ऐसे में उनके हाव भाव उनकी उनके व्यापारों से उनकी आँखों से उनकी अंगुलियों से उनकी भाव भंगिमा से उनका प्रेम प्रकट हुआ है। एक यहाँ उदाहरण और मैं बताना चाहूँगी, यहाँ सुनाना चाहूँगी कि किस प्रकार द्विवेदी जी की बिंबात्मक भाषा अपने शब्दों की तुलिका से इस प्रकार चित्र खड़ा करती है कि हमारे सामने पूरा दृश्य मूर्तिमान हो जाता है। मोहाविष्ट हो जाते हैं अघोर घंट के तांत्रिक विचारों से और भट्टिनी को बहुत चिंता है। व्याकुल है भट्टिनी, बोल नहीं पा रही है मगर भट्ट की अस्पष्टता उसे कहीं अस्वस्थ बना देती है। भीतर ही भीतर एक आलोड़न विलोड़न चलता है और उसके भीतर की ये चिंता का कातरता उसके हाव भाव के द्वारा यहाँ व्यक्त होती है। द्विवेदी जी लिखते हैं भट्टिनी की यह अवस्था देखने योग्य थी। कोष्टक में देखते घन कृष्ण केशपाश मुखमंडल पर विस्तृत हो गए थे। अब आप भाषा देखिए एकदम संस्कृत निष्ठ बाण की जो व्यवहार में इन दिनों जो अव्यवहार शब्दावली उसका प्रयोग है मगर पूरा का पूरा एक चित्र हमारे सामने आ रहा है। केशपाश मुखमंडल पर विस्तृत हो गए थे, बड़ी बड़ी फूली आंखें झुकी हुई थी, प्रवाल ताम्र अधर युगल दृढ़ भाव से संपुटित थे। आ पांडुर कपोल मंडल पर रोम राशि कपोल मंडल पर रोम राशि उद्भिन्न हो गई थी। आताम्र चिबुक धैर्य कर हिंड उठते थे, वाम बाहु श्यामा लता की भांति झूल रहा था और दाहिना हाथ कपोत कर्बुत अशुकांत अशुकांत कहते द्विवेदी जी उसका अर्थ भी देते हैं आंचल अशुकांत में ढका हुआ था। इस प्रकार पूरे के पूरे उसके हाव भाव उसकी आंखें उसके बाल उसके वर्णन के द्वारा द्विवेदी जी भाव का चित्रण करते हैं, हाव भाव का चित्रण करते हैं, हृदय की संवेदनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। और ये इस प्रकार की जो बिंबात्मक भाषा है वो अपारदर्शिता पारदर्शिता ले आती है। द्विवेदी जी कहीं एक एक पंक्तियों में इस प्रकार के हाव भाव के वर्णन करते हैं। एक प्रसंग है कि निपुणिका जब भाग जाती है बाण की नटमंडली छोड़कर आहत होकर तब वो उज्जैनी की नर्तकी मदनश्री के यहाँ आश्रय लेती है। मदनश्री बाण को परास्त करने के उपक्रम में खुद ही परास्त हो जाती है और अपना हृदय दे बैठती और वो बाण का चित्र बनाती है। निपुणिका देखती है और पूछती है क्या बना रही है। निपुणिका बाण को कथा बता रही है, जब मिलता है ना बाण के ऐसा हुआ था तब कह रही ले ये तेरे देवता का चित्र बना रही है। रात को आधी रात को निपुणिका उस चित्र को लेकर के भाग जाती है। निपुणिका बाण से कहती है कि उस चित्र पर दो प्रसेद बिंदु भी पड़े हुए थे, दो पसीने की बूंदे पड़ी प्रसेद बिंदु यानी। बाण जानता है कि यह निपुणिका का जोड़ा हुआ वाक्य है, चित्र उसने बनाया है मगर प्रसेद बिंदु उसकी चूहल है। निपुणिका चूहल कर लेती है बाण से, भट्टिनी नहीं कर पाती है। तब बाण कहता है कि सात्विक भाव के होंगे और फिर दोनों खिलखिलाकर हंसते हैं और
एकदम निपुणी का मुक्त मन से हंसती है। श्रीमती जी आधी पंक्ति में वर्णन करते हैं कि उसकी शुचिता आंखों को ऊपर उठाती थी और सरसता नीचे ढाल देती थी। इस प्रकार के भावों के वर्णन त्रिवेदी जी की रचनाओं में हमें सर्वत्र दिखाई देते हैं। त्रिवेदी जी वर्णन शैली लेते हैं बाण की, मगर प्राचीनता में नवीनता का, प्रकृति में प्रयोग का प्रयोग त्रिवेदी जी करते रहते हैं। वे केवल बाण की शैली या उसका अनुसरण करके ही बस नहीं करते हैं, वे नया आयाम भी जोड़ते हैं। यहाँ पर हमें डायरी शैली दिखाई देती है, क्योंकि सारी जो कथा है वो बाण के माध्यम से आएगी। बाण के माध्यम से कथा आने के कारण कभी आगे आती, कभी पीछे आती, कभी उसकी स्मृति आरंभ में वो अपनी कथा कहता है, अपने वंश का परिचय देता है। कादंबरी और हर्षचरित में भी बाण ने अपने वंश का परिचय दिया है और परिचय देता है, और वो कहता है कि मेरे घर मेरे यहाँ भूमाइट होते थे, प्रसिद्ध वाचा परिवार में मेरा जन्म हुआ है, मेरे यहाँ के शुक और सारिकाएं भी विद्यार्थियों के अशुद्ध पाठ को रोक करके शुद्ध कर दिया करते थे, पर कभी दुर्भाग्य के रोने से अपना शुरू नहीं करूँगा, दुर्भाग्य के रोने से करूँगा। और फिर हम देखते हैं कि बाण अपनी कथा शायद उसको याद भी ना हो, वहाँ छोड़कर आगे कहता है। इस प्रकार के वर्णनों में हम देखते हैं कि द्विवेदी जी डायरी शैली कहते हैं इस्तेमाल करते हैं। वर्तमान उपन्यासों की जो एक खास शैली है पत्र शैली, भरू शर्मा के पत्र के द्वारा द्विवेदी जी पत्र शैली का इस्तेमाल करते हैं कि पात्र अपना ही मनोविश्लेषण करते हैं, बार बार अपना मनोविश्लेषण करता है। एक जगह वो सोचता है कि निपुणिका के प्रति मेरे मन में क्या था, सचमुच उससे प्रेम करता था मैं, क्यों मैंने मंडली तोड़ दी, क्यों मैंने अपने प्रहसन को चिपरा में बहा दिया। और वो निपुणिका के बारे में अपने बारे में सोचता है, तो मनोविश्लेषणात्मक शैली भी हमें यहाँ दिखाई देती है। त्रिवेदी जी इस प्रकार से प्राचीनता में नवीनता लेकर आते हैं। और त्रिवेदी जी अपने निबंध में कहते थे कि पुराने का मोह सब जगह वांछनीय नहीं होता, परे हुए बच्चे को गोद में दबाने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं हो सकती। पर इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम नई अनुसंधिता के नशे में चूर होकर अपना पुराना सर्वस्व खो बैठे। तो पुराना जितना ग्रहण योग्य है उतना ग्रहण करें, और उसमें जितना नया जोड़ना है उतना नया जोड़ें। त्रिवेदी जी यहाँ डायरी शैली भी ले आते हैं, पत्र शैली भी ले आते हैं, उन्होंने विशिष्टात्मक शैली भी ले आते हैं, मगर उसका इस ढंग से कलात्मक ढंग से विनियोग करते हैं कि कहीं भी वो बाण की शैली का अतिक्रमण नहीं करती है, कहीं भी वो इतिहास रस को खंडित नहीं करती है, कहीं भी वो देशकाल वातावरण को लांघती नहीं। धीरे धीरे अपने दूसरे उपन्यास में भाषा की प्रतीकात्मकता लेकर आते हैं। यहाँ त्रिवेदी जी एक खास प्रतीक की नियोजना करते हैं, महावराह प्रतीक है यहाँ, नारी मुक्ति के प्रतीक। हम देखते हैं कि जब बाण पहली बार निपुणिका को मिलता है तो उसके यहाँ महावराह की एक मूर्ति, समाज के दूषित आचार विचारों, सामंत्र विभाग की बर्बरता से पीड़ित नारियों को एक यही उम्मीद है कि जिस प्रकार महावराह ने जल में दबी हुई धरती का, जल में फंसी हुई धरती का उद्धार किया है, ऐसे महावराह हमारा भी उद्धार करेंगे। भट्टी ने की वे आराध्य महावराह, महावराह यहाँ नारी मुक्ति के प्रतीक रूप में। मगर द्विवेदी जी उसको थोड़ा और भी आगे बढ़ाते हैं, और जब वो मूर्ति देखता है बाण, तो मूर्ति बहुत बड़ी नहीं है, मगर जिस तरह से मूर्ति के कलाकार की उत्कृष्टता का परिचय करता है, तो तत्कालीन समय की मूर्ति कला भी हमारे सामने आती है। भट्टी ने भी यहाँ महावराह की आराधिका है, महावराह, और महावराह की आराधना के माध्यम से हम देखते बाण का संपर्क तो मुक्त कर। जहाँ भट्टिनी अपने दुख से मुक्त होती है, अपने आप को नारी मन की चिंता से मुक्त करती है, वहीं बाण के संसर्ग में आकर निपुणिका पूरे अपने दुखों से मुक्त होकर वो अपने जीवन को सार्थक कर लेती है। और अंत में हम देखते हैं कि भरू शर्मा के पत्र के द्वारा जब बाण यहाँ छोड़कर, भट्टिनी को छोड़कर जब सीमाओं की सुरक्षा के लिए निकल जाता है, तो ये प्रतीक जो है एक विशाल धरातल पर अवस्थित हो जाता है, नारी मुक्ति से लेकर के राष्ट्र रक्षा की मुक्ति तक। 1946 में ये रचना लिखी गई है, तब हमारा देश स्वतंत्र था और अंग्रेजों के खिलाफ मुक्त होने की जो
का संघर्ष था वो जोर पकड़ रहा था। तो यहाँ जिस प्रकार धरित्री को महावरा ने बताया है, उसी प्रकार बाण अपनी राष्ट्र रक्षा के लिए यहाँ से वहाँ चला जाता है। तो नारी रक्षा से आरंभ होने वाली ये नारी समस्या से आरंभ होने वाली ये रचना नारी तत्व की व्याख्या करती है, फिर राष्ट्र रक्षा तक जाकर के एक व्यापक धरातल पर अवस्थित हो जाती है। ये द्विवेदी जी के प्रतीकों की योजना है। हम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से देखें तो इसमें द्विवेदी जी ने पर्सी ल्यूबक और हेमरी जेंस ने उपन्यासों के सिद्धांतों की चर्चा करते समय पॉइंट ऑफ व्यू की चर्चा की, दृष्टिकोण की चर्चा की। क्योंकि नाटककार तो पात्रों के द्वारा अपनी कथा को कह देता है, अगर उपन्यास किसी खास उपन्यासकार अपने उपन्यास में किसी खास चेतना के द्वारा अपनी जीवन दृष्टि को अभिव्यक्त करता है, अपने विचारों अपने भावों को व्यक्त करता, तो किसी पात्र की चेतना के द्वारा व्यक्त करता है, वो चाहे नायक नायिका का हो या किसी का। द्विवेदी जी ने आत्मकथनात्मक शैली, एक तरफ से ये आत्मकथनात्मक शैली कथा आख्या की शैली का निर्वाह भी है, और ये प्रथम पुरुष के दृष्टिकोण से लिखा हुआ ये जो पॉइंट ऑफ व्यू का दृष्टिकोण है, ये द्विवेदी जी का आधुनिक तत्व है सिद्धांतों की जो तात्विक परिचर्चा है उपन्यासों की, उसका भी उपयोग करते हैं। आत्मकथनात्मक शैली में लिखा है, सारी घटना बाण के माध्यम से मैं का प्रयोग इसमें किया है, प्रथम पुरुष का दृष्टिकोण है, सारी घटनाएं बाण से जुड़ी हुई, वो दृष्टा भी है वो भोक्ता भी है, सारे पात्रों के क्रिया व्यापार उसके सामने उद्घाटित होते हैं, नहीं होते हैं तो भी उसके सामने पात्र आकर अपनी बात रखता है। और दृष्टिकोण के चुनाव में हमें द्विवेदी जी की कलात्मक दृष्टि का पता चलता है, द्विवेदी जी की हमें जो दृष्टिकोण का चुनाव है उसका हमें पता चलता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि बाण भट्ट की आत्मकथा नामवर्ती ने जब उसे कहा है अभिनव प्रयोग है कथ और शिल्प के दोनों के कारण, दोनों की उत्कृष्टता के कारण अभिनव प्रयोग तो है ही, साथ में एक और अगर इस पुस्तक का एक पंक्ति में निचोड़ देना चाहूँ तो ये है, प्रेम से ऊंची कोई चीज नहीं है और मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, ये कथा बाण भट्ट की आत्मकथा द्विवेदी जी के इसी संदेश को देती है। आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। हमने न केवल सुना लेकिन ગુજરાતીમાં કહીએ તો માણ્યું પણ ખરું, એટલે બહુ જ મજા પડી। હમને સુના હી નહીં લેકિન ઉસકો મહેસૂસ ભી કિયા ઇસ કૃતિ કો, બહુત હી આનંદ આયા આપકે સાથ ઇસ પ્રકાર સે જુડ કે આપકે જ્ઞાન કા જો લાભ હૈ વો હમારે છાત્રો કો ઓર હમ સભી કો મિલા હૈ ઉસકા એક આનંદ હૈ। જબ આપ હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદી જી કે કા પરિચય કરવા રહે થે तो हमें ये लग रहा था कि एक सर्जक का परिचय किस प्रकार से करवाया जाए। आपको आप दो पांच सात मिनट में आपने परिचय करवाया, लेकिन हमारे जितने भावक यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनको एक पूरा ख्याल मिल जाए कि इतने बड़े सर्जक की एक कृति की मैं बात करने जा रही हूँ, तो उनका जो व्याप है उसका परिचय आपने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे करवाया, और किस किस विधाओं में उन्होंने काम किया, न केवल काम किया लेकिन किस नजरिए से काम किया, उनकी जीवन की बातें भी आप जोड़ते गए, उनके उनकी समस्याओं की भी बात की लेकिन उसमें से वो समस्याएं उनके लिए किस प्रकार से वरदान रूप साबित हुई, जैसे वो कलकत्ता तक शांतिनिकेतन तक पहुंचे, टैगोर तक पहुंचे। तो जैसे टैगोर की बात आती है तो हमें लगता है कि ये हमारे कला गुरु हैं, तो जिन्होंने भारतीय सर्जकों के सर्जकों को निर्मित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और शायद मैं अगर भूलता ना हूं तो इस कृति का पहला जो संस्करण है वो शांतिनिकेतन के द्वारा ही प्रकाशित किया गया है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, और फिर उसकी जो प्रत है वो अलग अलग अन्य प्रकाशकों के और हिसाब से प्रकट हुई। तो इतिहास से ये कथा उन्होंने ली, और आपने बहुत ही अच्छा कहा कि इतिहास के साथ कल्पना को जोड़कर इतिहास रस उन्होंने नया एक अपना बनाया, और कथा भी आपने बहुत ही रोचक तरीके से हम सबको बताई। प्रणय त्रिकोण बिल्कुल था,
लेकिन ये प्रणय त्रिकोण थोड़ा अलग किस्म का है, और यहाँ पे केवल प्रेम प्राप्ति का, ये तो हमारा भारतीय दर्शन भी यही है कि प्रेम प्राप्ति में नहीं, यहाँ पे आपने कहा कि स्पर्धा है, लेकिन स्पर्धा कैसी है, ले लेने की नहीं है, देने की है। तो ये दोनों पात्रों को, दोनों स्त्री पात्रों को ये है, तो इस बात का भी आप बताते गए, जिक्र करते गए, निपुणिका की बात आई, भट्ट की आई, भटिनी की आई, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात जो की कि अपने पात्रों के माध्यम से और कथा के माध्यम से सर्जक जो है वो अपना जीवन मंत्र जो है या फिर जीवन दर्शन जो है वो हमें मानो यहाँ पे बांटते चले जा रहे हैं, और उन्होंने सफलता से सार्थकता की ओर बढ़ने की बात जिस प्रकार से की, तो पुरुष को बांध लेना वो सफलता है, लेकिन उसको मुक्त करना उसमें स्त्री की सार्थकता है, वो बात मानो एक नया विचार, वैसे हमारी परंपरा का ही है लेकिन दूसरे तरीके से यहाँ पे आया, और उनके पात्रों ने वो भली भांति निभाया भी सही। तो इस प्रकार से यहाँ पे पांडित्य की भी बात आई, पांडित्य किस प्रकार से हमें दूसरी ओर ले जाता है वो भी बात आई। अब जब परंपरा और प्रयोग की बात कर रहे थे तब T.S. Eliot याद आ रहे थे कि उन्होंने ये सिद्धांत दिया परंपरा और प्रयोग का कि भाई परंपरा से आप ले लो और जितना अच्छा है आपने कहा वो ले लीजिए, और फिर आप उसमें जो अपने और से जो जोड़ सकते हैं, तो यू हैव टू ऐड दिस। हमें परंपरा और प्रयोग पढ़ाते हुए हमारे गुरुजन डॉक्टर दर्शना जी कहते थे, रामायण का उदाहरण देते हुए, कि भगवान श्री राम ने अपने पिता श्री दशरथ के सभी गुण ले लिए, लेकिन उनको पता चला कि 3 पत्नियों के होने से ऐसी दुविधाएं आती हैं, तो उन्होंने वो हंसते हंसते कहते थे कि बिना किसी को बताए या कहीं कुछ बात किए उन्होंने एक पत्नी व्रत आजीवन पाला, ये परंपरा और प्रयोग है, ऐसा हंसते हंसते समझाते थे। लेकिन यहाँ पे परंपरागत कथानक और उसके साथ अभी की जो समस्याएं हैं, नारी विमर्श की बातें भी आपने बहुत सारी की, लेकिन सामाजिक संदर्भों को आप जोड़ते गए, राजनीति को आप जोड़ते गए, समाज को आप जोड़ते गए, और उसके साथ ये कृति किस प्रकार से इस समय के साथ भी न केवल एक हिस्टोरिकल बात को लेके हुए आगे चलती हुई एक कथा है, लेकिन वो हमारे इस समय के प्रश्नों को किस प्रकार से बाचा देती है उसकी भी बात की, उसके अन्य स्वरूपगत लाक्षणिकताओं की भी बात की, उसकी शैली की भी बात की, भाषा की, अलंकारों की, बाण की जब बात हो तो उसकी शैली की बात तो बिल्कुल होनी चाहिए, और वो भी आपने की। तो लेकिन अंत में जो आपने कहा कि नारी मुक्ति से लेके फिर राष्ट्र सेवा तक की जो इसकी यात्रा रही, वो भी एक उर्ध्वीकरण है, अपने आप में विचार का उर्ध्वीकरण है। तो इस प्रकार से पूरी चर्चा बहुत ही मजेदार रही, ज्ञानवर्धक भी रही। हमारे साथ जो दूसरे भावक जुड़े हैं वो यदि कुछ प्रश्न करना चाहें या फिर कोई प्रतिभाव के तौर पे कुछ बात करना चाहें तो बिल्कुल वे यहाँ पे आमंत्रित हैं, वो अपना माइक ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन करके बात कर सकते हैं। हिंदी के प्राध्यापक गण, आपके छात्र भी यहाँ पे हैं और अन्य हमारे साथी जो हैं वो भी हैं, तो कोई अगर अपना भाव प्रकट करना चाहे या किसी को कुछ प्रश्न हो तो वे भी मृदुला जी से कर सकते हैं। हाँ, जब तक वो हो तब तक मैं अगला जो इस श्रृंखला का अगला मण, गुजराती में मणको जो है एनी बात करी, तो आगे के श्रृंखला में यहाँ पे 100 जी इकराम, हाँ जी बिल्कुल आप बोलिएगा। ध्रुव स्वामिनी की बात होनी है, प्रसिद्ध जो नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का, और डॉक्टर सुशील धर्माणी जी जो हमारे यहाँ तोलानी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं और हिंदी के प्रोफेसर हैं, वे ध्रुव स्वामिनी के उस पर बात करेंगे। तो उसमें भी आप हिंदी के जो प्राध्यापक आज मृदुला जी के हिसाब से जुड़े हुए हैं उनको सुनने के लिए, तो वे उसमें भी जुड़े, हमारा आपको आमंत्रण है। यस इकराम, हाँ जी इकराम आप अपनी बात कर सकते हैं और कोई भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इकराम हाँ जी प्लीज। इकराम आपकी आवाज नहीं आ रही है दोस्त,
हाँ ऑडियो ऑन करिएगा प्लीज। अभी भी नहीं आ रही है, एक बार बंद करके फिर से ऑन कीजिएगा ऑडियो। हाँ जी, और अब हाँ जी। नहीं इकरम, आपकी आवाज अभी नहीं पहुंच रही है, सॉरी। इकरम आपकी आवाज नहीं आ रही है दोस्त। एक बार आप एग्जिट होके फिर से जुड़ सकते हैं तो शायद हो जाएगा। तो तब तक दूसरे कोई जो बोल रहे थे वो अपनी बात कर सकते हैं। हाँ जी, अन्य किसी को अपनी बात रखनी हो तो वो कर सकते हैं। किसी और का माइक भी ऑन हुआ था शायद, वो डॉक्टर सहनाज हैं यहाँ पे, और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो तृप्ति जी वगैरह, जो कि हिंदी इसके साथ हिंदी विषय के साथ जुड़े हुए ऐसा लग रहा है। तो आपको कोई प्रश्न हो या फिर आप कोई बात पूर्तता के तौर पे करना चाहें तो भी कर सकते हैं, तब तक इकराम हमारे साथ जुड़ जाएंगे तुरंत। मैं ही तब तक एक प्रश्न आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि जैसे ये बाण भट्ट की आत्मकथा हमने बताई, तो उसमें हर्ष की जो बातें आती, राजा हर्ष की जो आपने कहा कि हर्ष चरित भी यहाँ पे है, तो उसका संदर्भ यहाँ पे कितना लिया गया है या फिर उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है, या जीवन की अन्य जो बातें हैं उनको उन्होंने कितना महत्वपूर्ण माना है यहाँ पे, ये अगर आप बताना चाहें तो। देखिए उसमें क्या है कि द्विवेदी जी जो उपन्यास लेकर आए इतिहास और कल्पना से, तो उसमें देश का वातावरण का की प्रधानता है जी। और वे वातावरण की प्रधानता को वातावरण हाँ जी मैम, आपका वीडियो और ऑडियो बंद हो चुका है। इकराम तब तक आप अपनी बात रख सकते हैं ऑडियो वीडियो ऑन करके, जब तक मैम वापस से जुड़ जाएं या फिर उनका ऑडियो वीडियो ऑन हो जाए। जी जी बहुत बहुत नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। अच्छा जी, तो शायद मैम का शायद ऑडियो वीडियो चला गया है। हाँ जी हाँ जी, तो बस ये कहना चाहेंगे कि एक मैम को थोड़ा सा लगता था कि थोड़ा सा कि जिस तरह से एक साक्षात वो बोलती रही हैं और श्रोताओं के सामने बहुत सारे व्याख्यान दिए हैं और ऑनलाइन अभी नया चला है तो काफी व्याख्यान ऑनलाइन भी दिए, लेकिन इस व्याख्यान को सुनकर खास ऐसा लगा कि वो व्यवधान जो है ऑनलाइन का, वो थोड़ा सा बहुत जो मन में रहता है कि बात करने का जो सरलता है वो शायद साक्षात श्रोताओं के सामने जो की जाती है वैसी नहीं रहती, लेकिन यहाँ पर उनको सुनकर लगा कि बहुत ही सहज तरीके से बात हम तक पहुंची है और हमने बहुत ही अच्छी तरह से मानभट्ट की आत्मकथा उपन्यास को
समझा है और उसको पाने का आज हमने भरपूर हमने उसका लाभ लिया है। और बहुत सारे आयाम इस उपन्यास में है, बहुत सारे आयाम उभरे हैं। मैम ने जब बात की तो उसे पता चला है किस तरह से एक वर्तमान समस्या, वर्तमान को लेकर, वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं वह चाहे द्वैतकालीन हो या पुरानी हो या आज की हो, किस तरह से यह उपन्यास उन्हें जोड़ता है यह भी हमें खास जानने को मिला। और जब पात्रों की बात हम कर रहे थे और जब तीन प्रमुख जो पात्र है भट्ट, भटेनी और निकुनी का, उनके माध्यम से, तो जब मैम जब हमें पढ़ाते थे, और हालांकि अभी भी हमें मैम पढ़ाते ही है और हमेशा पढ़ाएंगे वो, तो लेकिन जब क्लास में जब होते थे तब जब प्रेम की जब चर्चा होती थी किसी किसी के माध्यम से, तब ये कहती थी कि प्रेम जब गिरता है तो वासना को पाता है और जब ऊपर जाता है तो अपने आदर्श को, अपने सर्वोत्तम रूप को पाता है। वही हमें आज जानने को मिला कि प्रेम किस तरह से जीवन को सार्थक करता है। और तीन पात्र, तीन पात्र, जैसा कि प्रेम का त्रिकोण यहाँ पर देखने को मिला और यहाँ पर है इस उपन्यास में, लेकिन किस तरह से, वही मैम ने कहा और रंजन सर आपने भी कहा कि लुटाने की भावना है यहाँ पर, छीनने की, झपटने की भावना नहीं है, तो वो बहुत ही बड़ी बात है। और जैसा कि मैम ने आखिरी में भी कहा कि प्रेम को किस तरह से, जीवन को प्रेम किस तरह से सार्थक करता है और उस सार्थकता को प्रेम किस तरह से पाता है, उसकी बहुत ही अच्छी तरह से उसकी है मैम ने बात कही और हम तक वो पहुंचा, बहुत सारे दूसरे आयाम भी पहुंचे हम तक। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मैम को सुनना हमेशा उपलब्धि है हमारे लिए, सबके लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यस इकराम, आप जब बोल रहे थे तब आपके चेहरे पे खुशी थी और मैम जो सुन रहे थे उनके चेहरे पे जो खुशी थी, वो एक शिक्षक और विद्यार्थी का जो अनुबंध है उसको हमें यहाँ प्रदर्शित कर रही थी। यस मैम, आप कुछ कह रहे थे? एक बात मैं कहना चाहूंगी कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे गुरु बहुत अच्छे मिले, भोला भाई पटेल साहब, और मुझे छात्र बहुत अच्छे मिले। जी जी मैम जी, यस जी मैम, आप कुछ प्रश्न कर रहे थे? हाँ यस, हमारे यहाँ लता हिरानी जी हैं। हाँ लता हिरानी जी हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। संयोजन करते हैं तो इतिहास तत्वों को लाने के लिए जिस समय की कथा लेते हैं, उस समय की ऐतिहासिक गतिविधियों को लेते हैं, उस समय के राजाओं को लेते हैं, तो इतना भी उसका जो ऐतिहासिक परिवेश है और राजनीतिक परिवेश है, उसमें महाराजा हर्ष और उनके भाई कुमार कृष्ण वर्धन का की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और उनके संपर्क में जब बाण आता है तो उनके आपस के जो घात प्रतिघात है, एक तरफ परिवेश का निर्माण होता है, दूसरी तरफ चरित्रों के चरित्र का उद्घाटन भी होता है, तो वो और जिसको हम कह रहे हैं चरित्र और मजबूत होता है, तो उनका महत्व है। जहां तक ऐतिहासिक और राजनीतिक परिवेश है उसमें उनका महत्व पूरा है, और उन्हीं के माध्यम से द्विवेदी जी परिवेश का निर्माण करके एक विशेष कालखंड को व्याख्यायित करते हैं। जी मैम जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लता लता जी हैं हमारे साथ, लता हिरानी जी, वो कुछ कहना चाह रही हैं। लता भी? हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार रमजान भाई, रुदिला जी नमस्कार, आपने बहुत अच्छे बाण भट्ट की आत्मकथा का बयान किया, पुस्तक का बहुत ही सुंदर शैली में आपने बात की, बहुत अच्छा लगा। बहुत समय बाद हिंदी सुनने को बोलने को मिला, ये भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य पढ़ी हूँ, ये भी सुन के अच्छा लगा कि अगले अगली कड़ी में ध्रुव स्वामिनी देवी का है, तो वो तो मैंने मेरे कोर्स में थी, सिलेबस में थी, मैं पढ़ी हुई हूँ, तो वो मैं ज़रूर सुनूंगी। और रुदिला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने बात की, वेरी मच, थैंक यू रमजान भाई, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच लता बेन। यस जी, इस आनंद के साथ ही हम अपनी इस श्रृंखला को आज यहाँ पे विराम देंगे, कि हमारे साथ, हमारा सद्भाग्य है कि ऐसे गुरुजन जो हैं, ऐसे व्यक्तित्व जो हैं जिन्होंने कई पीढ़ियों को यहाँ पे उनके चरित्र घड़तर का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, और उनके शिष्य आज यहाँ वहाँ कितनी अच्छी जगहों पे अध्यापन कार्य कर उनकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसे गुरुवर्य भी आज हमारे साथ जुड़े, मृदुला जी उनके शिष्य पहले जुड़े और उसके बाद उनके शिष्य गुरुवर्य जुड़े, उसका आनंद एक और है।
तो बहुत आनंद है। हमारे गीता दर्शना बेन जो है वो उष्णस की एक पंक्ति हर हमेशा बोलते हैं कि हूँ तारको ने तृणनी बीचो बीच, हूँ तारको ने तृण थी खींचो खींच। आपने जो गुरु शिष्य की बात की, उत्तम गुरुजन और उत्तम शिष्य की बात, तो वो बोलते हैं तारक और तृण की मैं बीचो बीच बैठी हूँ और उनसे खींचो खींच एनाथी भरेली छू। तो ये भी अपना बधानी अपना बधानू नसीब छे। हम सबका ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसे उत्तम गुरुजन मिले। आप सभी भी हमारे अभी उसी प्रकार के गुरुजनों में आ गए हैं, तो आप सभी को सादर नमन कर मृदुला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर आज हमारी बात को यहाँ पे विराम लेंगे और आगे भी आपके ज्ञान का हमें लाभ मिलता रहे, ऐसी विनती के साथ हम यहाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।